जिनके संरक्षण में कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग मंगलाचरण के साथ इसे प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। यह श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण होने जा रहा है। वैसे तो श्रीमद् भागवत को 7 दिन में श्रवण करना नामुमकिन है। जैसा प्रभु जी ने भी बताया श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक 7 दिन में पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं, मूल पाठ भक्ता पढ़ रहे हैं तो 50 अध्याय रोज के जब पढ़ेंगे तब जाकर के 335 अध्याय पूर्ण होते हैं। लेकिन कथा का मतलब कहानी किस्सा नहीं है। हमारे स्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे कथा का मतलब है जो भगवान की लीलाओं का विस्तार किया जाए, एक्सपेंशन।
तो एक एक चीज की डिटेलिंग में हम जाते हैं। जब लड़की के लिए लड़का ढूंढना होता है, शादी का आयोजन होता है, यहाँ पर भी शादी का आयोजन है, तो शादी जब होती है तो उसमें क्या करते हैं, डिटेल पूछते हैं, लड़का कैसा है, कितनी हाइट है, लड़की कैसी है, कितना कमाते हैं, कहाँ रहेंगे, घर कैसा है, देंगे क्या, लेंगे क्या, वेलकम कैसा, वो सारी डिटेल। क्यों? क्योंकि संबंध स्थापित करना है कि संधि कहलाते हैं ना रिश्ते, तो संबंध स्थापित करने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिना ज्ञान के संबंध स्थापित नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको कृष्ण से संबंध स्थापित करना है कि नहीं, कितने लोगों को करना है, प्रभु जी का तो वो रखा है, वो प्रभु जी आप विनम्रता में हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो संबंध स्थापित करने के लिए हर चीज की गहराई में उतरना होता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी मोड़न चली रही किनारे बैठ। किनारे जाएंगे समुद्र के तो क्या मिलेगा, मोती नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे समुद्र के किनारे, सीपियां मिलती हैं, आते ना छोटे छोटे छल्ले समुद्र के किनारे, सीपियां मिलती हैं, शंख मिलते हैं, लेकिन गहरे पानी समुद्र में उतरेंगे तो पर्ल्स मोती मिलते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण जो है अन्य अन्य पुराणों में से चमकता हुआ वह पुराण है जिसके आगे सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे वेद नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए विष्णु पुराण को नाम दिया गया विष्णु पुराण, कूर्म भगवान की कथा जहां पर विशेष है उसको नाम दिया गया कूर्म पुराण, जहां गरुड़ जी संवाद कर रहे हैं विष्णु जी से उसका नाम दिया गया गरुड़ पुराण, जहां पर शिव जी का गुणगान गाया गया नाम दे दिया गया शिव पुराण। अब श्रीमद् भागवत जो है इसमें किसका गुणगान है, कृष्ण का, तो इसका नाम होना चाहिए था कृष्ण पुराण, लेकिन इसका क्या नाम है, भागवत पुराण। क्यों? इससे स्थापित होता है कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही, झूठ सोचने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं जी हमने वहां पढ़ा शिव पुराण में ये लिखा था, देवी पुराण में ये पढ़ा था, बोले नहीं, जिन खोजा तिन पाया उसी को मिलेगा जो गहरे पानी में उतरता। भागवत को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 80 से अधिक भाषाओं में भाषांतर करके सबके लिए सरल बना दिया। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हमारे जैसे पतित जो अंग्रेजी पढ़ रहे थे लंदन में, और उनको जब प्राप्त हुआ भागवत अंग्रेजी में तो बड़ा सरल हो गया क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आती, संस्कृत पढ़ी नहीं, जबकि हैं ब्राह्मण घर से, मेरा जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ, हम लोग ब्रजवासी हैं लेकिन पता कुछ नहीं है कृष्ण के बारे में, बस जानते हैं कृष्ण लाला है और हमारा मित्र है, बस इससे ज्यादा नहीं। पढ़ने के लिए विदेश चले गए, MBA कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब विदेशी भक्तों को भागवत पढ़ते देखा तो अपने ऊपर ग्लानी आई, क्या जीवन है हमारा, जीवन क्या खाली मॉडलिंग करने के लिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए ही मिला है क्या, मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जब ये समझ में आया कि अभी आप श्रील प्रभुपाद की शरण में जाएंगे, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से उनके परम पूजनीय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने स्वीकार किया और कृपा करी, जिनके माध्यम से उनकी कृपा अनुसार यहाँ श्रीमद् भागवत का पारायण 7 दिन होगा। तो गहरा उतरना पड़ता उसके लिए किसी गहरे भागवत व्यक्ति के। दो प्रकार के भागवत है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ तो आप खरीद लाओगे 5,000 रुपये में इस्कॉन से मिल जाएगा, लेकिन लाकर के यथारूप जैसा है वैसे ही रखा रहता, पढ़ता नहीं कोई। किसी व्यक्ति से हमने पूछा आपने गीता पढ़ी है, बोले हाँ जी प्रभु जी पढ़ी है, जैसी दी थी वैसी की वैसी पढ़ी है, अभी तक खोली नहीं हमने। गीता रखने से, भागवत रखने से भक्ति नहीं आती है, गीता रख के खोलने से, पढ़ने से, अपनाने से भक्ति आती है। भागवत रख के उसको स्वीकार करने से, उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने से भक्ति आती है। भागवत के ऊपर अगर एक मक्खी बैठी है तो क्या वो भागवत भक्त बनेगी,
वो भी तो भगवत के ऊपर ऊपर नित्यम भागवत सेवा कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। छिपकली भी मंदिर के अंदर घूम रही, क्या वो भक्त बनेगी? उसको मनुष्य शरीर मिलेगा परंतु भक्त नहीं बन पाएगी। भक्त बनने के लिए गहरे भागवत में उतरना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत पढ़े भागवत स्थाने, भागवत को भागवत भक्तों के बीच स्थान में जाकर पढ़ना चाहिए। आपने IIT की बुक्स खरीद ली, पढ़ने जाना है तो कहाँ जाओगे? IIT कॉलेज में पढ़ोगे, घर में पढ़ लोगे? हाँ जी, पढ़ने जाना पड़ेगा। तो आपने भागवत ले लिया, भगवत गीता ले लिया, इसे पढ़ने कहाँ जाएंगे? बोले इस्कॉन केंद्र में जाइए पढ़ने के लिए। और वहाँ पर हमारे प्रभु जैसे महान महान जो प्रोफेसर हैं वो भागवत की डिटेल बताते हैं, और फिर व्यक्ति को भागवत भक्तों के माध्यम से भागवत धीरे धीरे हृदय में प्रवेश कर। कली कलमश नाशनम, सारे के सारे कलयुग के कलमश का नाश कर सकता है भागवत। ऐसा इसको कच्चा नहीं समझना चाहिए कि कहानी किस्सा है। अरे वो वाली कहानी, अरे हाथी की कहानी तो सुनी हुई है, हाथी था। अरे जी वो अजामिल की कहानी सुनी हुई है, वो पापी था। कहानी नहीं है। एक प्रसंग पे, अभी हम पीछे द्वारका में भागवत सत्ता कर रहे थे, नवदा भक्ति के एक श्लोक पर मैंने 7 दिन बोला, उसमें भी ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी जल्दी हो गया एक श्लोक पर, तो 18,000 श्लोक कैसे हो जाए? जयदेव गोस्वामी का एक, जयदेव गोस्वामी का 10 अवतार स्रोत, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन 7 दिन में किया हमने जनकपुरी में। अभी लोग बोल रहे अरे जल्दी जल्दी हो गया, एक भजन 7 दिन में डिस्कस हुआ। तो भागवत विस्तार का विषय, समझने का विषय, गहरा उतरने का विषय। लेकिन जिनको प्रेम नहीं है भागवत से वो बोल रहे थे थोड़ा भजन गाइए ना, थोड़ा नचाइए ना, थोड़ा ठुमका लगाइए ना। नाचने गाने का विषय नहीं है भागवत, गहरा उतरना है। जीवन परिवर्तन हो जाता है जो व्यक्ति भागवत को जीवन में एक बार भी दृढ़ता पूर्वक श्रवण कर लेता है। एक जगह भागवत चल रहा था तो भागवत वक्ता ने कहा, इस भागवत समापन के बाद जितने लोग भागवत सुन रहे हैं सबके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। भागवत पूर्ण हो गया लेकिन वैकुंठ विमान आया नहीं। तो एक बूढ़ी माई भागवत वक्ता के पास गई और बोली, अजी आपने तो कहा था वैकुंठ विमान आएगा, वैकुंठ विमान का रिक्शा तक नहीं आया, कैसे जाएंगे वैकुंठ? बोले माई आया नहीं क्या? बोले नहीं। बोले माई विमान का अर्थ जानती हो? विमान का अर्थ है विगत मान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मान सम्मान की अभिलाषा को विनाश कर दिया, समाप्त कर दिया है, उसके लिए उसी पर विमान आकर के खड़ा हो जाता है। हनुमान जी का नाम है हनुमान, क्या अर्थ है इसका? जिन्होंने अपने मान का हनन किया है, हनन मान इति हनुमान। रामचंद्र जी के कहां बैठते हैं? सिर पे। कहां बैठते हैं? पैरों में। राम जी कहते भी उठो उठो वानर राज हनुमान, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया, सीता को खोज लाए, आओ मेरे गले लगो। करे नहीं प्रभु, आपके गले तक नहीं जा सकते, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हम आपके दास हैं, रहेंगे कहां? आपके श्री चरणों में। बोले क्यों? बोले जैसे ही आपके चरण पकड़ते हैं, आपके कोई पैर छुए तो क्या करते हो आप? हाँ जी, आशीर्वाद देते हो। जैसे ही हनुमान जी चरण पकड़ते हैं, राम जी का हाथ सिर पर आ जाता है। बोले राम जी अभी ऐसी स्थिति है, इधर कुआ उधर खाई, जैसे ही मैंने छोड़ा आपका हाथ पीछे चला जाएगा, और जिसके सर पर हम राम का हाथ ना रहा उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे सुविधा स्थिति है चरणों में बने रहे, आपका सदा हाथ मस्तक पर विराजमान है। लेकिन समझ में नहीं आती बात। भागवत पुराण की टीवी खोलो, आस्था चैनल पे कथा ही कथा, कथा ही कथा भरी पड़ी है। कथावाचक बोल रहे हैं कुछ भी, कीर्तन मंडली वालों ने कथावाचक की मंडली बना ली। इसलिए पारंपरिक संस्था, आपका बच्चा इंजीनियरिंग करने जाएगा, बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढोगे, IIT दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऐसा तो नहीं करोगे कि बोले अरे गेरे नथु खेरे कॉलेज से पढ़ लो जाकर, इंजीनियर तो वहां भी बन जाएगा लेकिन काम नहीं मिलेगा। ऐसे कथा तो सुन लोगे लेकिन काम नहीं बनेगा। काम तो बनता है केवल जब पारंपरिक भक्तों के माध्यम से इस कथा का श्रवण किया जाए। एक व्यक्ति धोबी स्नान कराने के लिए अपने गधे को ले जा रहा था, और कई सारे कपड़े उसकी पीठ पर रखे थे। अब गधा जब जा रहा था तो उसके गले में एकदम खाली सुनसान गला पड़ा था, तो धोबी सोच रहा था काश
कोई मुझे रत्न मिल जाए, कुछ रस्सी मिल जाए तो इसका गला सुशोभित हो जाए। गाँव में क्या करते हैं लोग, गायों के बैलों के गले में घंटी रस्सी, कुत्ता रखते हैं लोग घरों में, पेट डॉग के गले में रस्सी पट्टा बांधते हैं, हम लोग भी गले में कंठी बांधते। क्यों बांधते हैं? बोले हम कृष्ण के पालतू हैं, कृष्ण के पालतू हैं, हम शरणागत हो चुके हैं, हमें संसारी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता। अगर रोड पर स्ट्रीट डॉग्स गली में घूमने वाले कुत्तों को उठाने के लिए गाड़ी आए तो अगर कोई पट्टे वाला पहुंच जाए तो उसको उठाएंगे? क्यों? बोले किसी का है पालतू है, और जिसका पालतू है वो क्लेम कर देगा, केस कर देगा हमारे ऊपर, इसलिए इसको छोड़ दो क्योंकि इसका कोई मालिक है। जिसके गले में पट्टा है या तुलसी माला, उसका कोई मालिक है। जिसके में नहीं है उसको उठा के गाड़ियां ले जाती है। ऐसे ही यमदूत और यमराज की गाड़ी जब उतरती है मृत्यु के समय, देखते हैं गले में कंठी नहीं है, चलो भाई उठाओ, जंगली है। लेकिन जिसके गले में है बोले ये तो ठाकुर जी का भक्त है, इसका मालिक अभी आ जाएगा, सुदर्शन चक्रधारी प्रभु प्रकट होंगे, हम सब मारे जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दो। इसलिए जिसके गले में कंठी है उसकी मृत्यु किसी भी पल किसी भी वक्त किसी भी जगह हो, उसको यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। ये भगवान की तुलसी की महिमा है, सदा तुलसी कंठ में स्थापित रहती है, इसीलिए इसका नाम है कंठी, कंठ में रहने वाली। तो धोबी ने भी सोचा कि भाई मेरे गले गधे के गले में कंठी होनी चाहिए, कुछ बढ़िया सा नेकलेस। तो उसने देखा कि कपड़े धोते धोते नदी के अंदर एक चमकता हुआ मणि प्राप्त हो गया। बोले बड़ा सुंदर मणि है, ये मैं टांग देता हूं, इससे चमकेगा मेरा गधा। वो है कौन? गधा कैसे चमकेगा? कितना भी नेकलेस बना दो है तो गधा। तो संसारी व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा चमक जाऊंगा, अच्छा वस्त्र अच्छी गाड़ी अच्छा घर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है तो कितना भी अच्छा हो उसका सब कुछ व्यर्थ होता है। और उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन उसके पास कृष्ण भक्ति हो, कृष्ण हो, गुरु हो, संस्था हो, संप्रदाय हो, उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो गया उसने उस मणि को बांध कर घूमना फिरना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक जौहरी, जौहरी जानते डायमंड के व्यापारी जो जौहरी, जौहरी गुजर रहा था, उसने देखा गधा कितना सुंदर है, लग रहा है इसके गले में बेशकीमती हीरा है, इस हीरे को मैं कब से ढूंढ रहा था, ये यहां मिल गया, देखो ये रहा। तो भी से बोला भैया इसको दे दो, कितनी कीमत है? देवी बोला हम नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से तो हमारा गधा सजा है, हम तुमको कैसे दे दे? बोले नहीं दे सकते। बोले नहीं। बोले कितनी कीमत दें तब दे दोगे? बोले किसी भी कीमत पे नहीं। बोले दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तो धोबी बोला अच्छा एक बात बताओ, 500 रुपए दोगे? हीरे के कितने? 500 रुपए दोगे? धोबी बोला मन में मैं तो 10-20 सोच रहा था, ये तो 500 बोल रहा है, तो थोड़ा और थोड़ा। बोले नहीं 500 थोड़े कम है, थोड़ा बड़ा बड़ा। बोले अच्छा तो फिर 600। तो इसने सोचा ये तो बढ़ा रहा है तो और बढ़ाना चाहिए, खैर चलो फिर 600, चलो ठीक है 600 रुपये फाइनल हो गया। 600 रुपये जेब में डाल करके मणि उसको दे दी, जौहरी लेके चल दिया। अब 600 रुपये गधे को मिल, गधे के धोबी को मिल गए, तो धोबी बड़ा प्रसन्नचित था, बोला बड़ा आनंद आ गया, आज तो 600 रुपये में 20 रुपये का पत्थर चिपका दिया है जौहरी को, मूर्ख। लेकिन जौहरी जानता था ये तो करोड़ों रुपए का बेशकीमती हीरा है। जैसे ही उस एक हाथ में जौहरी के आया, तुरंत ही उस हीरे के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर के दम से धार से पूरा का पूरा फट गया, जैसे ब्लास्ट होता है बम, पूर्ण ब्लास्ट फट गया बम के समान जोर से। तो ये हैरान हो गया, मेरे जीवन काल में आज 70 साल का हो गया मैं, मैंने अनेक हीरो को परखा है लेकिन ये कौन सा हीरा है जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, क्यों तुम बिखर गए? तो हीरे ने कहा, हीरे का संवाद है, जब गर्दब के कंठ थे रही न कौन हूं पीर, पर कद्र न जानी जौहरी जासे फटा शरीर। गर्दब यानी गधे,
जब गर्दब के कंठ थे, गधे के कंठ में थे, ना थी कौन हूँ पीर, तब कोई तकलीफ नहीं थी, ये तो गधा है एक समझेगा। लेकिन पर कद्र न जानी जौहरी, जासे फटा शरीर। भागवत कराने वाले भी भागवत की महिमा न जाने, कहानी किस्सा समझकर छोड़ दें तो भागवत जी का हृदय फटता है कि भागवत करवा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं कि मजाक चल रहा है। तो भागवत के हृदय रूपी इस भागवत के ज्ञान में प्रवेश करने के लिए एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना चाहिए। विदाउट कॉन्शियसनेस वी कैन नॉट एंटर इन द श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवत के गहरे ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गहरा हृदय का प्रेम, कृष्ण प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भागवत सचमुच कोई भी अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकता है। नहीं तो फिर संसारी लोग तो है ही है, भागवत कथा पंडाल चल रहे हैं, भागवत कथा है। अभी मुझे कोई बता रहे थे एक जगह भागवत हो रहा था, 4 दिन भागवत सप्ताह के निकल गए, 5वें दिन MLA MP बड़े बड़े VIP गेस्ट आए थे, 1000 लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, पंडाल कार्यक्रम। तो वहां क्या देखते हैं कि जो कथावाचक महिला थी कोई, तो नीचे बैठी संकीर्तन पार्टी में कीर्तन करने वाले लोग, किसी ने बोला 4 दिन हो गए एक भी श्लोक, एक भी दोहा अभी तक नहीं उच्चारण किया गया, एक कैसी कथा हो रही है, खाली चुटकुले और मजाक चल रहा है, कहानियां सुनाई जा रही चंपक, ये अभी प्रत्यक्ष घटना है। तो उन्होंने बोला ये खोल कर देखो, ये जो पोटली में सामान करा गया है, माला चढ़ाई गई है, इसमें भागवत जी है भी कि नहीं है। जब खोला तो उसमें न्यूज़पेपर निकले, एक उन्होंने डायरी बनाई हुई थी ऐसी, और डायरी में कहानी किस्से लिखे हुए थे 10-15, और 2-4 भजन की पुस्तकें थी, उससे उनकी दुकान चल रही थी, और अंदर भागवत की जगह अखबार रखा हुआ है। वह ज्ञान जिसको लोग कूड़े में फेंक देते हैं, उसको वह स्थान दिया गया जहां श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण वो रखा जाता है, वहां वो रख दिया। सोचो उस व्यक्ति की चेतना कैसी है, उसकी कही कथा सुनकर के आपका क्या होगा, चेतना दूषित होती है। तो चेतना को उच्च करने का ही तो मकसद है, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर राइजिंग अवेकनिंग योर कॉन्शियसनेस, चेतना को जागृत करना। उपनिषद कहते हैं उठो जागो, अभी पूछेगा अरे भाई पहले जागते हैं बिस्तर से फिर उठते हैं ना, उपनिषद कहते हैं उठो और जागो, यानी कि अपने स्थान पर मत रहो कि तुम संसारी पशु के समान पक्षी के समान हो, तुम मनुष्य हो, उठो कि तुम मनुष्य चेतना में, उसके बाद जागो कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। तो ये इसलिए मिला है दुर्लभ मनुष्य। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान एतात् पशुभिः नराणाम्। अगर व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन यही कर रहा है तो व्यक्ति कैसा है, पशुभिः समान, पशु के समान है। द्विपद पशु, दो पैरों पर चलने वाला सोफेस्टिकेटेड एनिमल, और लोग बड़े खुश होते हैं आजकल, यू नो वी आर सोशल एनिमल। अरे सोशल हटा दो तो हो कौन बड़ा प्रसन्न होकर बोला है वी आर सोशल एनिमल, एनिमल तो है। द्विपद पशु, दो पैरों पर चलने वाला, क्यों, जीवन किस लिए है, आहार। पार्टी कर ले, 5 स्टार में चले, 7 स्टार में चले, आज का मेन्यू क्या होगा, हेड शेफ कौन होगा, मैकडोनल्ड्स जाएंगे, KFC जाएंगे, कहां जाएं, कहां मस्ती करें, पार्टी न्यू ईयर कहां करेंगे, आहार निद्रा। चलो जी 2 दिन सोकर के आते हैं 5 स्टार में, चलो जी स्विट्जरलैंड चलते हैं 2 दिन सोकर आते हैं बड़े स्वीट के अंदर, आहार निद्रा भय, डरपोक है व्यक्ति, डरता है, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी गार्ड, अलार्म सिस्टम सब रखने के बाद भी मृत्यु उसका पीछा छोड़ती। हार्ट स्पेशलिस्ट दिल्ली के, वो सर्जरी करके निकले किसी की हार्ट सर्जरी, उनको नहीं पता, वो दुनिया को बता रहे हैं आपके हृदय में ये प्रॉब्लम है, आप चेकअप करा लो, आपका ना आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है, वो बता रहे हैं डॉक्टर, दुनिया को एडवाइस दे रहे हैं, ये सिम्टम है आपका, ये बता रहा है आपका हार्ट प्रॉब्लम है आपका। वह डॉक्टर हार्ट सर्जरी करके बाहर निकला, पैरामेडिकल स्टाफ को आकर सिरिंज और अपना सारी चीजें पकड़ाई, और देखते देखते चक्कर आया, बेहोश होकर गिर गए, और उनको क्या हो गया, हृदय रोग हो गया, प्राण निकल गया। वीडियो आया था, बड़ा वायरल हुआ था,
अब बताओ, खुद वैद्य को नहीं पता कि क्या होने वाला है। ऐसे स्थान पर आहार निद्रा भय, आप किस चीज से भयभीत हो, कौन रक्षा कर सकता है? अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं संसार में जो व्यक्ति की रक्षा कर सके। तो हमको अपनी रक्षा कृष्ण के शरण होकर देनी चाहिए तो हम बच सकते हैं। अन्यथा हाथ में माला नहीं आई, भगवान का नाम नहीं आया, कहते हैं जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कबहुना कृष्ण कहो। जन्म बीत गया, पूरा जीवन कभी कृष्ण नहीं बोला, कभी इस दरबार कभी उस दरबार, सर पटकते रहे, मांगते रहे, लेकिन फिर भी मांगने पर भी मिलता नहीं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले नहीं। मांगते रहते हैं भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन फिर भी कोरोना आ जाता है, क्या करोगे? बिना मांगे ही आ रहा, कभी मांगता है मेरी हड्डी तोड़ दो प्रभु, आज बस बहुत दिन हो गए बेड पे लेटना है, हड्डी तोड़ दो मेरी, आज चक्कर दिलवा दो प्रभु, आज किचन में चक्कर दिलवा दो, बहुत दिन हो गए सास का खाना बनाते बनाते। कोई मांग रहा है क्या दुख? फिर भी दुख तो भागवत कहती है जैसे दुख बिना मांगे आते हैं ऐसे ही सुख भी बिना मांगे आएंगे। तो भगवान से क्या मांगो? भगवान से प्रीति मांगो, प्रभु आपसे प्रीति हो जाए, आपके चरणों में हमारी रति हो जाए। भगवान से मांगना नहीं चाहिए धन संपत्ति, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। गीता में प्रमाणित करते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहम भक्त्या उपार्थम श्नामि प्रेत आत्मना। पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, मैं स्वीकार करता हूं, पर किसका? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक देता है। भगवान को अन्य धन की जरूरत थोड़ी है कि अरे भगवान बड़े गरीब हैं, खाने पीने को है नहीं, मूर्ति बना के बिठा रखा है इस्कॉन वालों ने, तो चलो थोड़ा सा अन्न धन भंडारा दिया है इनको, 5 किलो चावल 10 किलो आटा। अरे अन्न की जरूरत नहीं है भगवान को, अरे धन दे दें, धन दे दें भगवान, धन चाह, धन से गोलोक चले जाएंगे, हमने जी 5 लाख दान दिया तो हम गोलोक चले जाएंगे। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो मुझे स्वीकार है। भगवान को आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। जिस दिन आप भगवान के हो गए उस दिन आपकी संपत्ति भी भगवान की है, आपका समय भी भगवान का है। आप तो हुए नहीं, आप अपनी चीजें भजवा रहे हैं। इमोशन विदाउट डिवोशन, विदाउट इमोशन एंड इमोशन विदाउट डिवोशन इज यूजलेस। जिस भक्ति प्रेम समर्पण में भाव नहीं है उसकी कोई अहम नहीं है। प्रयास अच्छा है पर बहुत देर लगती है, इसलिए भगवान को अन्न धन आदि नहीं चाहिए, भगवान को आप चाहिए। तो अपना सब कुछ समर्पित करेंगे, क्या देना है आपको? इन 7 दिन ध्यान पूर्वक अपने कान देने, क्या देने, क्या चाहिए हमको आपसे? दक्षिणा, पैसे, कोई बुकिंग की प्रोपोज मांगा मैंने कुछ, क्या चाहिए? कान। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस कान। कान के माध्यम से ही भागवत को पिया जा सकता है, समझा जा सकता है। कान नहीं दिए तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने कान देने चाहिए। मां के गर्भ में सबसे पहले कौन सी इंद्री बनती है? आंख, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा। सबसे पहले कौन सी इंद्री बनती है? भागवत पढ़ी, 3रा स्कंद, कान। और सबसे पहले कौन सी ज्ञान इंद्री को ठाकुर जी ले लेते हैं? बुढ़ापे में सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आती है? कान। बोले क्या कमला? नहीं नहीं माता जी, बिमला। अच्छा बिमला, कान।
जब तक ये कान है तब तक इसका सदुपयोग करो, ठाकुर जी की कथा को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। इसलिए भागवत के इन श्लोकों में कहा गया है, कैसा है श्रीमद् भागवतम, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादम्रे द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरो गलितम फलम, आपको कौन सा फल अच्छा लगता है, कच्चा या पक्का? बोलते नहीं आप लोग, मना किया प्रभु जी ने क्या? कौन सा, कच्चा या पक्का? पक्का, पक्की बात है कि कच्ची बात है? इसमें भी पक्की है। निगम कल्पतरु गलितम, कल्पतरु एक वृक्ष है, कल्प यानी कि जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, ये है ये रखकर, इसका नाम है कल्पतरु। क्या नाम है? बहुत पेड़ देखे होंगे आपने, आम का पेड़, केले का पेड़, ये है कल्पतरु। कल्पतरु के अंदर कई ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद वेदांत सूत्र, लेकिन ये क्या है, उन सभी ही फलों में से एक पका हुआ फल है। पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं लेकिन कुछ ही फल पके हुए फल होते हैं, तो श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल है। निगम कल्पतरो गलितम, गलितम यानी पका हुआ फलम फल। अब एक अमरूद का पेड़ है, उस पेड़ पर अमरूद लगे हैं, अमरूद लगे हैं पेड़ पर। अब एक अमरूद को तोते ने चखा है, चोंच मारी और एक को नहीं, तो आपको कौन सा ज्यादा मीठा लगेगा? जिसमें पक्का, ये भी पक्की बात लॉक किया जाए, तो पक्की बात है कि जिसमें चोंच लगी होती है वह अधिक मीठा होता है। तो निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम। सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास जी के यौवन 16 वर्ष के इस पुत्र ने राजा परीक्षित जो पांडवों के आखिरी वंशज हैं, उन्हें 7 दिन 7 रात लगातार श्रीमद् भागवत का पारायण कर सुनाया। हमारा तो 2-3 घंटे का है, अगर बोला जाए 2 घंटे के बाद रुकना है तो ये सब उठ के चले जाएंगे, अकेला मैं बचूंगा या प्रभु जी बचेंगे? प्रभु जी रसिक भक्त है और मेरी तो ड्यूटी बनने की सुनाना है, अन्यथा सब चले जाएंगे क्योंकि स्वाद नहीं है। इस संसार की कड़वी कड़वी चीजें देख करके अब हमें मिठास आनी बंद हो गई है, हर व्यक्ति पे शक करते हैं। भक्त जाएंगे बोले गीता ले लो, बोले क्यों बेच रहा है पंडित, अरूर इसके मन में कोई लालच है, तुमको कितना कमीशन मिलता है? अजी हमको कुछ नहीं मिलता, 200 रुपए की भगवत गीता में पूरा का पूरा प्रिंटिंग कॉस्ट है और श्रील प्रभुपाद के रसमय तात्पर्य तो फ्री में बांटे जा रहे हैं जो लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। आप कहेंगे गीता तो पहले भी थी, फिर अभी क्यों परिवर्तन हो रहा है? अजी गीता तो पहले भी थी लेकिन प्रभुपाद जैसे साधु पहले ना थे, जिन्होंने समुद्र रूपी गहरे गहरे शास्त्रों को, समुद्र में जल भरा, आप प्यास लगी हो तो आप कौन सा पानी पियेंगे? समुद्र का प्यास बुझेगी क्यों? खारा पानी है। तो शास्त्र बड़े खारे हैं, समझ नहीं आते हैं, क्लिष्ट हैं, गहरे हैं। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सूर्य के समान समुद्र के उस जल को भाप बनाकर ऊपर उठाया, बादल बना दिया। अब बादल का पानी जब बनकर बारिश होती है और उसको भरकर अगर आप पियो तो प्यास बुझेगी कि नहीं? श्रील प्रभुपाद ने 11 से अधिक आचार्यों की टीकाओं को पढ़ा और पढ़ करके श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बादल बनाया और वो बादल चलते चलते अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में जाकर ऐसी बारिश करी कि आज पूरा विश्व भागवत पढ़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद को समझ चमकते सूर्य के समान तेजस्वी हैं जो पूरे संसार में परिवर्तन लाए। गीता तो पहले भी थी, भागवत तो पहले भी थी, लेकिन फलेन परिचय, फल बताता है परिचय। 100% नंबर आए तो आप बच्चे को क्या बोलोगे? मूर्ख। क्या बोलोगे? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, मेधावी। और अगर फेल हो गया
तो मूर्ख यानी फल से आप परिचय लेते हो। भागवत ने पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ सनातन धर्मी बनाया, सबको माला सिखाई, सबको वैष्णव तिलक दिखाया, सबका मांसाहार छुड़वाकर शाकाहारी बनाया, भक्त बनाया। ये फल बताता है कि इस कौन के भगवद गीता और भागवत से श्रेष्ठ कुछ भी, अद्भुत ग्रंथ। तो कैसे पिए इसको, बोले द्रव्यम। द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड पदार्थ। अब द्रव्य को बोला जाए अशोक जी मौसमी का जूस खा लीजिए, बंगाल में तो कहते हैं आपनी जौल खावे, वहां तो खावे बोलते हैं, वो उनकी भाषा है। परंतु अगर आपसे यहां बोला जाए दिल्ली में जल खाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, खाया थोड़ी जाता है जल पिया। तो भागवत को पढ़ा जाता है या पिया जाता है, पीछे वाले नहीं बोल रहे, भक्त तो जानते ही हैं, क्या पढ़ा जाता है या पिया जाता है। अरे कैसे इसमें स्ट्रॉक है, कैसे पियोगे, अजीब बात करते हो आप लोग। हाँ जी खाया जा सकता है, चबा चबा के इसके पन्ने निकाल निकाल के इसमें जैम लगा के खाओ, इससे आपका हृदय भक्ति से परिपोषित हो जाएगा, है ना। क्या करना है, पीना है, खाना है, पढ़ना है। हाँ जी पीना है, हाँ इसलिए कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम रसालयम। इस संसार को भगवान कृष्ण ने बनाया। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में कहते हैं मामुपेत्यः पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता अगर कोई मेरी भक्ति करता है। कौन से संसार में, बोले दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार को दुख आलय कहते हैं, दुख का घर। शिव जी के घर को क्या कहते हैं, शिवालय। विद्या के घर को विद्यालय। तो रस के घर को क्या कहेंगे, तो संसार के द्वादश रसों का केंद्र है जिसमें श्रृंगार रस, विभस रस, माधुर रस, शांत रस, दास रस, सारे के सारे रस इसमें है, इसलिए इसका नाम है रसालयम। तो इस रसालयम को स्ट्रॉ लगाना है, पर स्ट्रॉ मुंह में नहीं लगाना, स्ट्रॉ कान में लगाना है और कान से खींचना है, कान से खींचना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो, मुहुरहो का अर्थ है निरंतर, एवरीडे, नित्यम भागवत सेवया। ये नहीं कि हाँ जी हाँ जी भागवत, हाँ हाँ हमारे यहाँ भी इस्कॉन से आए थे, किया था उन्होंने एक बार, नाचे थे बहुत बहुत अच्छा लड्डू बनाया था अशोक जी ने प्रसाद में, गुलाब जामुन स्मरण क्या है, गुलाब जामुन। अरे वो दीदी ने जो साड़ी पहनी थी बड़ी अच्छी थी। तो भागवत का अर्थ ये नहीं है, मुंह रहो, इसके बाद निरंतर पढ़ना एवरीडे गीता भागवत। मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं कृष्ण के, वो इसको निरंतर पाठ करते श्रवण और अध्ययन, भुवि भावुका। अन्यथा संसार में अलग अलग प्रकार के धर्म लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस गुमराह करने वाले समाज में ये कर लो पूजा, वो कर लो पूजा, लोग डर के कारण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया डरो मत, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। इन कैटव धर्मों को त्याग दो, धर्म प्रोजिता कैटव अत्र परमो निर्मा सराणाम सताम वैध्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदंतापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरईश्वरः सद्यो हृदय अवरुधते अत्र कृतभि सुशुभिस्तद्दर्शनम्। धर्म प्रोजित केतवो अत्र, इस संसार में प्रोजित यानी श्रीमद् भागवत कहता है उन धर्मों को त्यागना पड़ेगा, रिजेक्ट प्रोजित। धर्म प्रोजित वा
केतवो अत्रह केतव नकली धर्म जिन धर्मों में फल की अभिलाषा बनी है मां मुराद पूरी कर दे हलवा बांटेंगे इसमें क्या छुपा है मुराद छुपी है और अगर मुराद पूरी ना हो तो नहीं बांटेंगे इसको कहा भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं वणिक धर्म व्यापारी का धर्म है इस हाथ मोल लो उस हाथ सामान दो हमने 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया हमारी मन्नत पूरी करो हमने 2 रुपए का धागा बांधा हमारी इच्छा पूरी करो एक कैतव धर्म है जिसमें फल की कामना बनी है इसे कर्म कांड कहते हैं कर्म कांड केवल अविशेर भांड कर्म के पीछे फल की अभिलाषा छुपी लेकिन भागवत धर्म सिखाता है तंत्र टोना नहीं इच्छा पूर्ति नहीं केवल निरंतर अहिर्निश कृष्ण प्रेम ठाकुर जी से रात दिन प्रेम करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 भगवान अत्यधिक सुंदर है फिर भी उन सुंदर भगवान को आप शरणागति नहीं होते शनिवार को जाएंगे तेल चढ़ाने लेकिन घर में जब बच्चे का जन्म होगा तो नाम रखेंगे कन्हैया बोले जब आप शनि महाराज से इतने प्रेमी हो गाड़ी के पीछे जय शनिदेव लिखा है तो बच्चे का नाम रखो बोले क्या नाम है बेटे का बोले शनिदेव शनिचर आया है हमारे घर रखोगे क्यों क्योंकि प्रीति की वस्तु नहीं है इच्छा पूर्ति हेतु देवता कृपा करने भगवान की इच्छा से लगे पड़े सेवा लेकिन प्रीति की वस्तु तो नहीं घर में बेटी का नाम क्या रखा है हाँ जी राधा तुलसी वृंदा पूजा किसी कर रहे चंडी फिर ये चंडी जब चढ़ के घूमती है तब बुरा हाल होता है एक आदमी की शादी हुई उसकी पत्नी को बड़ा प्रेम था अपने मायके वालों से होता ही आजकल ज्यादा हर रोज की जब तक खबर अपडेट MIS अपडेट नहीं होता तब तक नींद नहीं आती माताओं तो वो भी MIS अपडेट करती थी माँ ने समझाया पढ़ा बोले अपने घर आ जा थोड़ा दिन ना कुछ चने चबाते भूखा रहेगा अपने आप ठिकाने हो जाएगा आ जा चलो जब लेने के लिए पहुंचा बोला अरे 1 महीना हो गया है अपनी पत्नी को लेने आया हूँ तो पत्नी को पहले तैयार किया हुआ था अपनी बेटी को बाल खोल करके घुमाने लगी बोले अरे चलो चलो बोले नहीं देवी आई है ना जाएगी देवी आई है ना जाएगी वो घबरा गया बोले क्या हुआ मेरी पत्नी को 6 महीने तक पूछता था फोन पे क्या हुआ बोले देवी आई है ना जाएगी 6 महीने बाद फिर पहुंचा बोले बेटी तैयार हो जा आ गया फिर उसने बाल घुमाए बोले क्या हुआ चंडी आई है ना जाएगी वो घबरा गया अभी किसी भक्त के पास गया इस्कॉन के बोला महाराज जी एक बात बताइए ये चंडी वंडी जो आती है सच है या कुछ ड्रामा होता है बोले देखो कुछ जगह तो ये सत्य है परंतु 1% 99% ये प्रोजित धर्म कैटव धर्म है ड्रामा कर रहे हैं लोग पैसा लूटने के लिए लोगों को डराने के लिए भय करने के लिए भय बिन होए ना प्रीति भयभीत करते हैं डरो डरो आओ हमारी शरण में तो इसको समझ में आ गया बोले फिर डरू नहीं कुछ नहीं करेगी बोले कुछ नहीं करेगी पहुंच गया बोले बुलाइए हमारी पत्नी को बोले बेटी आ गया तैयार हो जा वो घुमाने लगी चंडी आई है ना जाएगी चंडी आई है ना जाएगी ये भी हिलने लगा बोला भैरव आया है लेके जाएगा तो संसार में कैतव धर्म है ये सब ऐसा कुछ नहीं है किसी ने एक व्यक्ति ने एक भक्त के घर के आगे नींबू मिर्ची रोली रख दी घबरा गया भक्त आते तो भौतिक संसार से ही भक्त बनते हैं बोला प्रभु जी बड़ा घबरा रहा हूँ क्या वो हमारे पड़ोसियों में से किसी एक ने हमसे द्वेष करते हैं हमने नई नई ऑडी कार खरीदी है पार्किंग को लेकर झगड़ा चल रहा है तो इन्होंने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करने के लिए हमारे घर के बाहर नींबू मिर्ची रोली ये डाल दिए क्या करें तो हमने कहा एक पर्ची लिखो उसमें बोलो कल आलू नमक भी दे देना और टमाटर की सब्जी बना के खा ले
डरना थोड़ी है। जो कृष्ण भक्त हैं ये निष्काम होते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतः, ये शांत रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई ताकत कृष्ण भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आपको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। शुद्ध प्रेम भगवान का लाना पड़ेगा। भगवान बहुत सुंदर है, इस सुंदर भगवान से तो प्रेम किया जा सकता है। व्यक्ति निराकार से कैसे प्रेम करे? बोले प्रभु निराकार एक ओंकार। निराकार बोले मुझे एक स्त्री से प्रेम हो गया है। बोले कैसी दिखती है? बोले निराकार है। बोले फिर प्रेम कैसे हुआ? बोले हो गया। निराकार से प्रेम नहीं किया जा सकता, प्रेम की वस्तु है कृष्ण। इसलिए कृष्ण भक्ति का जो ये मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए कह रहे धर्म प्रोजित केतव निर्मत सरणाम, इसमें कोई जलन द्वेष की भावना ही नहीं है, मुक्त है। और ज्यादा महंगा नहीं है सिस्टम, बहुत सरल है। 20 रुपए की एक माला ले लो और भक्त तो फ्री में बांट देते हैं यहाँ पे हमारे। उसे माला को घुमाओ हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्या दिक्कत है? पैसा मांग रहा है। भगवान ने 24 घंटे दिए, उसमें से 5 मिनट अगर ठाकुर जी को दे दोगे तो क्या जाएगा? प्रारंभ में 2 माला करो, फिर 4 करो, नित्य प्रतिदिन माला बढ़ाते जाओ। भगवान का जितना चिंतन जितना सुमरण करोगे उतनी अधिक भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने नाम में। फिर आते नहीं, फिर बुलाना पड़ता है। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल, बोलो हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर हरि कृष्ण हरि गोविंदा।
बुलाते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं और बड़े प्रेम से बुलाते हैं। कैतव धर्म को त्याग कर हृदय में वृंदावन को लाओ। दिल्ली नंबर की गाड़ियां हर शनिवार इतवार वृंदावन। जय बांके बिहारी के। समझ में नहीं आ रही कौन है, फिलॉसफी नहीं मालूम, सिद्धांत नहीं जानते हैं। चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे जब उन्हें हृदय में धारण करोगे। वृंदावन के भक्त गाते हैं, आओ रे कान्हा हरे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा हरे गोकुल के प्यारे, आओ रे गोकुल के भागवत के प्रथम दिवस पर भागवत जी की महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें महिमा नहीं पालन होती है तब तक हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। सिख धर्म के लोग अपने ग्रंथों को सिर पर लेकर चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा सम्मान करते हैं, यात्रा निकालते हैं। हम कितने लोग गीता को सिर पर लेकर चलते हैं, कितने लोग भागवत जी को सिर पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए है ही नहीं कुछ। भगवान का साक्षात वांग्मय अवतार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत को विग्रह कहा गया भगवान का। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से
अपने नित्य लीला धाम गोलोक वृंदावन को जा रहे थे अपनी द्वापर की 125 वर्ष लीलाओं को समाप्त करके। तो उस समय उद्धव जी ने और अन्य ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप जब चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद यह धर्म, यह ज्ञान, यह भक्ति, ये सब किसकी शरण में जाएंगे। तो बताते हैं भगवान कृष्ण ने कहा था भागवत के अंदर कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टम दृशम हेशे पुराणो अर्को अधुनो दितः। एक पुराण प्रकट होगा जो मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप होगा। जब कृष्ण चले गए तो इस संसार के लोगों को कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? भागवत के रूप में। श्रीमद् भागवत के लिए एक श्लोक आता है जिसमें भागवत विग्रह का वर्णन है। पादो यदो प्रथम दुत्यायो तृतया चतुर्था यदा उरु नाभे तथा पंचमं एवा षष्ठो भुजंतरम दौर्यलां तथा अन्यो कंठस्तु राजना नवानो मुखारविंदम दशम प्रपाफूलम एकादशो यस्य ललटापटलम शिरोऽपि द्वादशी एव भाति। अब देखिए यह पुराण में बताया गया भागवत के बारे में। भागवत की महिमा भागवत खुद नहीं गाती है। अपनी महिमा खुद गाओ तो कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपना गुण तो कोई भी गा लेगा। लेकिन भागवत की महिमा अन्य पुराण में वेद व्यास ने लिखी है, स्कंद पुराण महात्म और पद्म पुराण महात्म, जिसमें प्रथम भागवत के अंदर 18,000 श्लोक और 12 स्कंद। कितने स्कंद समझते हैं? खंड, स्कंद 12। कितने? 12। अब इन 12 स्कंदों को जरा एक बार चिंतन करिए, हम लगाएंगे 1, 2, 3, 4 से लाइन में 12। पाद यदो प्रथम दुत्यो, पादम यानी चरण। पहले स्कंद और दूसरा स्कंद ठाकुर जी का श्री कृष्ण का चरण है। तो जब पहला स्कंद पढ़े सोचिए ठाकुर जी के चरण पकड़ में आ गए। ये प्रमाण है, वो कहानी के साथ थोड़ी है कि कह दिया अपने मन का बनाया। वो पहले दो स्कंद चरण है। तृतीया चतुर्थो यद उरो, तीसरा चौथा भगवान की जंगा है, थाइज। अब सोचो तीसरा स्कंद चौथा स्कंद, ये जांग आ गए, चरण आ गए, जांग। नाभे तथा पंचमम, पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। आ गया ऊपर का भाग, दिख रहा है या नहीं? अभी भी नहीं दिख रहा। एवा षष्ठो भुजंतरम, छठा अध्याय भगवान की छाती, वक्षस्थल, छठा स्कंद। दौरभ्यलाम तथा अन्यो, सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की बाजू है, ये हाथ है। आगे कहते हैं कंठस्तु राजन नवानो, और कंठ है नवा स्कंद। नवा स्कंद में भगवान राम की लीलाएं आती हैं, जो कंठ है भगवान का। और मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, मुखारविंद क्या है? फेस, दशम स्कंद, जिसमें भगवान की बाल लीलाएं से लेकर के अंत लीलाओं तक सभी लीलाओं को वर्णन 90 अध्यायों में किया गया। इसको कहते हैं मुखारविंद, भगवान का फेस। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत ट्रांसलेशन करते करते बीच में ही भगवान का फेस पहले ही प्रकट कर दिया था कृष्ण पुस्तक में, जिसमें 90 अध्याय हैं, कृष्ण बुक।
अगर आप पढ़ना चाहें उस कृष्ण पुस्तक को लें, भगवान कृष्ण की ऐसी कोई लीला नहीं है जो आपने कभी सुनी हो या देखी हो उसमें ना हो, और डिटेल में, और उसके कारण क्यों ऐसा हुआ, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, कृष्ण की वाणी उसमें है। इस मुखारविंद के अंदर रास पंच अध्याय 29, 30, 31, 32, 33 29 to 33 ये पांच अध्याय रास लीला के अध्याय हैं। शारदीय रास, इसे रास पंच अध्याय कहते हैं। यह पंच अध्याय भगवान का क्या है, तो दो आचार्यों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की। एक कहते हैं यह भगवान का अधरामृत है, ओष्ठ मुखारविंद पे पांच अध्याय, 90 अध्याय मुख है, पांच अध्याय इसके ओष्ठ अधरामृत। और कुछ आचार्य कहते हैं रास पंच अध्याय भगवान का प्राण है, पूरा शरीर बन गया लेकिन अगर प्राण ना हो तो वो मुर्दे के समान है। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं परंतु फिर भी उनका प्राण है रास पंच अध्याय। और एकादश 11वां स्कंद भगवान का ललाट पटलम फोरहेड, 11वां स्कंद जिसमें उद्धव गीता कहा जाता है, उद्धव उपदेश, कृष्ण भगवान ने अंतिम उपदेश उद्धव जी को दिए और मैत्रेय मुनि को। 12वां स्कंद भगवान का सिर, शिरोपि द्वादशम एव भाति। अब आपके घर में 12 स्कंद रखे हैं तो कौन रखे हैं, कृष्ण, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कृष्ण उनके घर में होते हैं, पर लोग उन्हें पॉलिथीन के अंदर बांध के रखते हैं। अपना बच्चा पैदा हो उसको पॉलिथीन बांध के रख दो गले में, बोले ना खाता है ना पीता है, रोता है, इसको पॉलिथीन चढ़ा कर रख दो, आपका भाव नहीं होगा तो आप ऐसा करोगे। ठाकुर जी के विग्रहों को लोग कांच के मंदिरों में बंद करके रखते हैं, ग्लास लगा देते हैं आगे से, क्यों, होटल नहीं होती, आप बंद हो जाओगे कबर्ड में कांच के ग्लास में, क्योंकि इनके लिए भगवान मृत शरीर है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में जब शास्त्र प्रमाणों को देखते हैं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब सुप्रीम कोर्ट के बराबर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं, नोबडी इज इक्वल, नोबडी इज अबव, सुप्रीम। तो कृष्ण इज सुप्रीम। दूसरा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब कृष्ण एक व्यक्ति है, कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, पर्सन है, व्यक्ति है, जो आपके द्वारा दिया गया भोग भी खाते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण लें वर्तमान, आप उनसे बात करना चाहो भीड़ में आवाज लगा सुनेंगे, लेकिन अगर कोई उनका संबंधी होगा तो भीड़ में भी क्यों ना बोलेगा चाचा जी मैं, तो देखेंगे कि नहीं। तो इसलिए बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए, अपने प्रश्न उत्तर के लिए पहले क्या स्थापित करना है, संबंध। और संबंध स्थापित करने के लिए किसी का फोन नंबर लेना पड़ता है, जब फोन नंबर आता है तब हम उसको फोन कॉल करते हैं, हरे कृष्णा जी कैसे हैं प्रभु जी माता जी, है कि नहीं। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का फोन नंबर लेना पड़ेगा। भगवान का फोन नंबर क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान का फोन नंबर। लोग बोलते हैं आप लोग दिखावा बड़ा करते हैं, इस्कॉन वाले माला टांग कर गले में चलते हैं, अरे जो करना है घर में करो, उसके बाद निकल जाओ अपना काम धंधा करो, ये टांग कर क्यों चलते हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ ऐसे लोगों से, तुम तो मोबाइल टांग के क्यों चलते हो, जितनी बात करनी घर पे कर लो, सारा दिन देखे टांग के क्यों चलते हो। बोले अरे कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए और अपने घर में संबंध स्थापित करना हो, फोन करना हो तो कैसे करेंगे, मैं बस वैसे ही जैसे आप किसी भी वक्त अपने परिवार को फोन कर सकते हो, कृष्ण की माला टांग के चलने से जब भी परेशानी आए उसी वक्त कृष्ण से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसलिए माला टांगने में बेइज्जती नहीं महसूस करनी चाहिए। लोग बोलते हैं अरे क्या लोग बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, अरे हमारे जीजा जी क्या कहेंगे, हमारी बुआ जी क्या कहेंगे। लड़की के गले में हाथ डालकर घूमने में इनको बेइज्जती नहीं लगती है कि बुआ क्या कहेगी, चाचा क्या कहेगा। मदिरा का गिलास हाथ में उठाने में, चीयर्स करने में इनके चाचा ताऊ बुआ नहीं देखते, माला लेने में सारे देखते, दांत गड़ाकर देख रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा काम है, बुरा काम करने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। अभी न्यू ईयर का दिन आएगा 31 दिसंबर को, शराब की दुकानों में लोग लाइन लगा करके मदिरा परचेज करेंगे।
लेकिन कोई व्यक्ति दूध की डेयरी पे नहीं जाएगा, जरा एक गिलास दूध पिला दो, शक्ति आएगी, नव वर्ष में मैं शक्तिशाली बनूंगा। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छे काम को प्रचार करना पड़ता है और बुरा काम अपने आप प्रसारित हो जाता है। नेटफ्लिक्स, आपको प्रीचिंग करनी नहीं पड़ती, नेटफ्लिक्स देखो करनी पड़ती, अपने आप देख रहे हैं लोग। रिचार्ज करा करा के पहले से ही मैसेज आ जाता है, 3 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, रिचार्ज कराओ। अपने अपने पेंडिंग शोज देख रहे हैं, रात रात 2-2 बजे जाग रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम जप करने के लिए बोले नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाया, टाइम नहीं है। अरे 2.5-3 घंटे खराब कर रहे हो, जैसा करोगे कर्म ना वैसा ही फल मिलने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब अंत में प्राण निकलते हैं, यमदूत आते हैं, तब व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, माफ कर दो ना, एक मौका दे दो, 1 time only 1 time। यमदूत कहते हैं नो टाइम, कोई वक्त नहीं है हमारे पास, अभी इसी वक्त आपको चलना पड़ेगा, और बांध के अपने पास में खड़ा कर लेते, जाने का एक भी मौका नहीं मिला। तो जब तक प्राण है तब तक भजन करना चाहिए भगवान का, मौका मिला है छूट न जाए। तो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ निरंतर इसकी अध्ययन करना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे भागवत जी पढ़ेंगे 1/2 घंटा 1 घंटा रोज, माला करेंगे 1.5-2 घंटा, तो काम धंधा कौन करेगा? आप ऐसे बोलते हैं। आप एक बार कृष्ण की शरण में तो जाओ, आपका ऐसा कौन सा काम है जो पूर्ण नहीं होगा? सर्व कर्म पूर्ण करने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को दे रखी है, तो आपको क्यों नहीं देंगे? एक व्यक्ति काशी में रहा करते थे, भागवत वक्ता थे, भागवत पढ़ते थे, नियमित पूर्वक भागवत श्रवण अध्ययन इसी में लगे रहते थे। तो उनकी पत्नी बहुत नाराज होती थी, काम के न काज के, सौ मन अनाज के, जब देखो तो भागवत भागवत भागवत, अरे जीना खराब कर दिया तुम्हारी इस भागवत ने। अरे अरे ये भगवान की मुझे सेवा करनी होती है, अरे ऐसी कोई सेवा करो जिसमें धन उपार्जन हो, पैसा तो आए, मुफ्त में जाकर कथा करके आते हो, मिलता तो कुछ है नहीं, जो थोड़ा बहुत भिक्षा में मिलता है उसी से घर चलता है। तो इन्होंने फिर भी उनकी एक ना सुनी और भागवत पढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन निकल रहे थे। एक दिन साधु समाज के लोग संत इनके घर पर आए, और संतों ने आकर के प्रश्न किया कि हमें आपके घर में क्या भिक्षा मिल जाएगी, भाप प्रसाद मिलेगा, हम तीर्थाटन पर निकले हैं, हम लोग भिक्षा मांगकर खाते हैं। तो उनकी पत्नी बोली आचार्य जी की कि ठीक है जी, हम आपके प्रसाद का इंतजाम करते हैं, आप बैठिए। अब पति के पास दौड़ कर गई, बोली भागवत पढ़ते रहोगे, आज अपमान होने वाला है, वैष्णव घर से भूखा चला जाए, अतिथि चला जाए, इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता। करे कितने लोग आए? कहा 10-12 लोग आए। करा हम तो 2 कोई खाने का नहीं था, 10-12 का कहाँ से लाए? तो बड़े दुखी थे और मन में सोचने लग गए, प्रभु ये कैसी लीला है, आप तो कहते हैं कि जो आपका सतत कीर्तन करता है, जो आपका भजन करता है, आप उसका योगक्षेम वहम करते हैं, जो नहीं है उसे प्रदान करते हैं, जो है उसकी रक्षा करते हैं, ये क्या हो रहा है? भागवत सेवा कर रहा हूँ और फिर भी आज मुझे ऐसा दुख देखना पड़ रहा है कि साधु समाज के लोग भूखे चले जाएंगे। तो चल दिए, पत्नी को बोले तुम घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। बोली क्या सोचते हो? सोचते हो भागवत उठा पानी में, गंगा जी में जय श्रीमद भागवतम की जय कर दिया, फेंक दिया। अरे अरे मेरा भागवत, मेरा भागवत, और डप से पानी में चपा। अब सोचो आपका भागवत जी जो भगवान समझ रहा है व्यक्ति, अरे गहरे का फेंक दिया, किताब तो फेंक दिया, लेकिन भगवान के भक्त का फेंक दे तो उसका तो प्राण है भागवत, फेंक दिया तो एकदम रुदन आंसू निकल रहे हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से चिल्ला उठे, हे प्रभु हे गोविंद, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। बड़े दुख होकर के काशी गलियों में भटकने लगे, भिक्षा दे। अब आचार्य है, भागवत वक्ता है, भीख मांगना अच्छा लगता है, परंतु साधु सेवा के लिए अपने स्तर को गिराते हुए भिक्षा मांगना जल्दी कभी मांगना नहीं चाहिए। भक्त को कुछ मिल जाए ये ठाकुर जी की कृपा समझना चाहिए, लेकिन मांग करके खाने से अच्छा है मर जाओ, मांग कर नहीं खाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी मांग करके श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर के बाहर खाते हैं, बोले ये तो वैश्यावृत्ति है, वैश्य क्या करती इंतजार करती कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी, पैसे वाला कौन कम, इससे मांगू ज्यादा मिलेगा, ये तो वैश्यावृत्ति है।
तो मांग के खाते हो। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिना मांगो मत। ठाकुर जी ने जिसने मुख दिया है वह दाना भी। जब दांत न थे तब दूध दियो, दिया कि नहीं, कि पाइपलाइन लगवाई थी मदर डेयरी से बुला के अमूल से कि माँ के स्तन में पाइपलाइन लगा दो, बच्चा हमारे आने वाला है। किसने दूध दिया? माँ बोलती मैंने पिलाया। अहंकार माँ का। बोले माता जी अगर आप पिला सकती तो 3 साल का बच्चा हो गया, फिर क्यों नहीं पिला सकती? कहाँ गया वो पाइपलाइन? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो क्या अन्न न देगो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें अन्न नहीं मिलता, हम लालची हैं। प्रॉब्लम नीड का नहीं है, प्रॉब्लम ग्रीड का है। जरूरत भगवान ने कहा जो तुम्हारी जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा, और वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हमारी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं बड़ी हुई हैं, और वो तृष्णा आशा समाप्त होती नहीं। कबीर जी ने एक जगह कहा कि मन मरा माया मरी और मर मर गए शरीर। मन मर जाएगा एक दिन, मन मान जाता, चलो यार समझाओ अपने मन को, डू नॉट एजिटेट मी, अपने मन को व्यक्ति माइंड कंट्रोल सेमिनार ये वो सुन सुना के पढ़ के मन मर जाएगा। माया ये संसार की जो माया है, मायावी शक्ति भगवान कृष्ण की, ये भारंगा शक्ति, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन मन मरा माया मरी और मर मर गए शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कभी। एक्सपेक्टेशंस आशाएं, इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त से मैं मिला था, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी आज तक मुझे कभी दुख नहीं हुआ। मैंने कहा तो कमाल हो, देवी पुरुष हो आप, कैसे नहीं हुआ? बोले आज तक किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं करी तो मेरे को दुख नहीं लगा। दुख कब होता है? जब अपने लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम बुरा मानते हैं। बोले हमारी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं करी इसलिए हमको दुख नहीं लगा। आप लोग चाहते हो ऐसा बनना कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? 2-3-4 बाकी कह रहे खूब करो, भर भर के करो हमारी बेइज्जती, हम तो बेइज्जती करने के लिए आए यहाँ पर। कौन कौन चाहते बेइज्जती ना हो हमारे कभी जीवन में? कृष्ण ऐसी कृपा करो, ये वाले चाहते बेइज्जती हो तो हाथ खड़ा करो ना, ठाकुर जी ने दिए हैं, जब तक है तब तक तो खड़ा कर लो। तो भगवान ने हाथ दिए हैं कि हम बेइज्जती अपनी करवाना नहीं चाहते, ये दुख देता है तो बेइज्जती। वो बोले हमारी आज तक कभी बेइज्जती नहीं हुई। मैं ऐसा कैसे हो गया? कोई तो होगा, हर संसार में व्यक्ति का दुश्मन है, द्वेषी हैं, जलने वाले हैं, ऐसा कौन है आप कि आपका कोई दुश्मन, अजात शत्रु हो गए आप, बड़े गोस्वामी बन गए, बताइए आप कैसे हो गए? बोले क्योंकि मैंने ना इज्जत की कामना बंद कर दी है। बेइज्जती कब होती है? जब इज्जत की कामना, हम आए तो माला पहनाओ, हम आए तो हमारा नाम उच्चारण करो, आप चुपचाप पीछे बैठ जाओ भगवान का भजन करते रहो, आपका संबंध भगवान से संसार से थोड़ी है, तो कौन आपकी बेइज्जती करेगा? कुर्सी दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो हरी बोल, ऊपर बिठा दे तो थैंक यू सो मच, नहीं बिठा दे तो हरी बोल, माला पहना दे तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बिठा दे तो हरी बोल। हर स्थिति में भगवान को हरी बोल। ऐसे वैराग्य जो आ जाता है व्यक्ति को, इज्जत की कामना ही दुख देती है। पिंगला ने भागवत के अंदर कहा दत्तात्रेय संवाद में, आशा ही परमम दुखम। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है आशा, एक्सपेक्टेशंस। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर 500 लोग आएंगे और मैं बोलूँ कि अरे तो 25-30 ही आए, 50 ही आए तो दुख लगेगा कि नहीं? पर मैं ये सोचूं, हमारे आचार्य कहते प्रिश टू दी वॉल्स, कोई नहीं होगा तो आत्मविद्या माता जी तो होंगी, रामराज प्रभु जी तो होंगे, शौनक ऋषि प्रभु जी तो होंगे, उन्हीं को चरणों में प्रणाम करके सुना देंगे कुछ जो समझ में बाल बुद्धि से आया, हो गया, फिर बेइज्जती तो होगी नहीं। लेकिन अगर आपके मन में इज्जत की कामना है तो वही बेइज्जती का अलार्म क्लॉक है, तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, आप खुद ही बेइज्जती करवाते हो अपने, क्योंकि आप इज्जत की कामना करते हो। आशा और तृष्णा, ग्रीड लालच मरता नहीं, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कवि। तो ये भक्त चल दिए मांगने के लिए अपनी स्थिति को नीचे करते हुए, बोले चलो जैसा आज भगवान चाहते हैं चलेंगे। जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
भगवान का भजन करते चलने लग गए, राधे श्याम सीताराम दीक्षाम दे, लेकिन कुछ ना मिला पूरा दिन। दूसरी ओर घर पर एक व्यक्ति, एक बालक गीले कपड़ों में उनके घर पहुंचा, एक बड़ी सी बैलगाड़ी में दूध दही चावल आटा सब्जी नमक पूरे साल का अरेंजमेंट करके। उन्होंने बोला, आजी आप कौन है? आचार्य की पत्नी बोली। बोले, आचार्य जी हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, मेरे पिताजी के यहाँ नित्य नौकरी करने आते हैं, और हमारे पिताजी सैलरी देना चाहते थे मेहनताना, तो बोले आज मत दो, जब जरूरत पड़ेगी तब दे देना। तो कई महीनों से उन्होंने अपनी सैलरी उठाई नहीं है, और ये तो कभी बताया नहीं कि आचार्य जी नौकरी भी करते। हमें तो लगा कि वो खाली भागवत ही पढ़ते रहते। लाओ लाओ सामान दिया, भोजन प्रसाद बना, साधु सेवा हुई, 12 संत मूर्तियों को प्रसाद खिलाया गया, चल दिए। सब धन्यवाद देके आशीर्वाद देकर चले गए। आचार्य जी बड़े दुखी मन से अपने घर में प्रवेश करते हैं, पत्नी से कहते हैं, मुझे माफ करना, आज मैं अपने परिवार की इज्जत कायम न रख सका। उनकी पत्नी कहती है, अरे इज्जत, पूरे गांव में आपका नाम हो गया, इतनी सुंदर साधु सेवा किसी ने नहीं करी, 56 भोग बने आज हमारे घर में। कैसे? कह छुपे रुस्तम, नौकरी करते थे, मुझे झोंका दिया है, ऊपर ऊपर से नकली बनकर अंदर से है लोग, मैं तो कहीं काम नहीं करता, मैं तो केवल भागवत पढ़ता हूँ। बोले, अरे आपके मालिक का पुत्र आया था और बोला कि हम आपके जो पति देव है वो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, मैं देने आया हूँ उनका मेहनताना। फिर क्या दिया? बोले, बैलगाड़ी भर के अन्न धन पूरे वर्ष का दे। बोले, कैसा दिखने में था? दिखने में ऐसा होगा छोटा सा बालक, श्याम वर्ण था, लेकिन पूरा गीला था, भीगा हुआ था पूरा। फिर तुमने क्या किया? बोले, मैंने प्रसाद खिलाया, प्रसाद बिना खाई थोड़ा सा स्पर्श करके वो यहाँ से चला गया। अच्छा, कहाँ गया? बोले, बस काशी के 80 घाट की ओर गया। तो घाट की ओर चलती है दौड़ करके, ये समझ गए भागवत वक्ता थे, देखूं जरा कौन है। भागे 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 दौड़ कर आए तो काशी के घाट पे कोई नहीं था। घाट के उस पार, इधर भी घाट होता है गंगा के, उधर भी घाट, घाट के उस पार एक बालक बैठा था जिसका शरीर पूरा गीला था और नील वर्ण था। तो वहां लगा, ए बालक कौन हो तुम, कौन हो, इधर आओ, तुमने कहां से दिया, मैं कहां नौकरी करता हूं। तो ये नाव वाले को बोले, नाविक जल्दी करो, मुझे उस पार जाना है। नाविक से बोले, जल्दी चलो। जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और उसके शरीर से टप टप करके बूंद टपक रही है। जब वहां पहुंचे, नाव से उतरे, बस दृष्टि जैसी डाली उस बालक की ओर, देखते हैं बालक अदृश्य है, और वहां श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हुआ है जिसको गंगा जी में उनकी पत्नी ने फेंक दिया था। आचार्य रोने लग गए, वापिस आए अपनी पत्नी के पास, बोले, क्या हुआ, मिला वो बालक? खैर, कोई बालक कोई और नहीं, साक्षात श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रकट हुए थे। मैं नित्य भागवत पढ़ता था, मुझे लगता था मैं कोई काम नहीं करता, तुमको लगता था कोई काम नहीं करता हूं, ये नित्यम भागवत सेवा ने आज हमारे घर में भंडार भर दिया बिन मांगे। ये भागवत जी की शक्ति है, और अगर भागवत की शक्ति पे समर्पित नहीं हो तो घूमते रहो संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान के इस भागवत स्वरूप की ओर आपको बड़े प्रेम से आना चाहिए, प्रेम भाव से भागवत को समर्पित होना चाहिए। वासुदेवं परावेदा वासुदेवो परामखः वासुदेवा परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परागति। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या में बताया गया, इस संसार में हर चीज वासुदेव है,
इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं, आप बताओ ये, बोले ये हो ऐसा तैसा, कुछ भी भगवान वासुदेव कृष्ण के बिना स्थापित नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वेद मतलब ज्ञान, वासुदेव परः वेद, अगर ज्ञान का कुछ अंत है तो क्या है? कृष्ण। अगर आपने वेद पढ़े और कृष्ण को ना जाना तो आपका वेद पढ़ना व्यर्थ चला गया। वासुदेव परा वेदा, वेदों के परे अगर कुछ परम वस्तु है तो वो है कृष्ण को जान लिया आपने, चारों वेदों को पढ़ डाला, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। भगवान खुद कहते हैं गीता में, वेदस्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविच्च हम, मैंने ही वेदों की रचना करी है, मैं ही वेद हूं, लेकिन वेदों के अंदर वेदस्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य तो मैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, मखा यानी यज्ञ। बड़े बड़े यज्ञ लोग कराते, गृह प्रवेश यज्ञ, शादी का यज्ञ, दुकान खोली तो यज्ञ, अग्नि जलाओ धुआं करो थोड़ा सा। इस्कॉन मंदिर में लोग आते हैं बोलते हैं जी हमारे घर में यज्ञ कर देंगे, भक्त बोलते हैं कर देंगे संकीर्तन यज्ञ, बोले नहीं नहीं जी कीर्तन नहीं, कीर्तन तो अलग है वो बाद में करवाएंगे, पहले वो थोड़ा यज्ञ करवाएंगे। बोले क्यों? वो धुआं धुआं होता है ना अच्छा लगता है, धुआं धुआं होता है ना थोड़ा अच्छा लगता है। वहां पर जाओ पंडित जी ने एक वेदी बनाई होगी लोहे की, उसमें यज्ञ आहुतियां डाली जाएंगी, आम्र लकड़ी को अग्नि स्पर्श कराकर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, डालेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बाकी लोग चश्मा उतार के कहेंगे आ आ आ, बहुत धुआं हो गया। क्या ये यज्ञ आपको भगवान की प्राप्ति करा सकता है? इस युग के लिए यज्ञ बना ही नहीं। भागवत में कहा गया है कृतो यतो ध्यायतो विष्णु, सत्युग में विष्णु ध्यान से मिलते थे, ध्रुव ने 6 महीने में ही एक टांग पे खड़े होकर ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, 6 महीना ओनली 6 मंथ क्रैश कोर्स। त्रेतायाम यज्ञते मकः, त्रेता युग में यज्ञ होते थे, भगवान राम को विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर लिया। द्वापरम परिचारयम, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को स्थापित किया अग्रगण्य भगवान के रूप में। अगर भगवान के लिए राजसूय यज्ञ कर सकते हो, पूरी पृथ्वी से लड़ना पड़ेगा, इंडिया की इतनी बड़ी मिलिट्री डरती है लड़ने के लिए, अमेरिका से कैसे लड़े, इतना सारी मिसाइल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पूरी पृथ्वी के राजा कैसे बनोगे? राजसूय यज्ञ तो हो नहीं सकता कलयुग में। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ कैसे करोगे? शुद्ध लकड़ी चाहिए, शुद्ध यज्ञ कुंड चाहिए, यज्ञ कुंड अगर मिट्टी का ना हो तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलता, मंत्र अगर उच्चारण सही ना हो तो मंत्र के अंदर त्रुटि हो जाने पर मंत्र विहीन फल मिलता है, और उसका कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, उसके फल ही उल्टे मिलते हैं, चाहोगे कुछ और मिलेगा कुछ और। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, भागवत में आता है इंद्र के शत्रु का विवर्धन हो, यानी इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो राक्षस, उल्टा हो गया, इंद्र शत्रु हो विवर्धस्य, इंद्र को मारने की बजाय इंद्र के द्वारा जो मारा जाए उसको प्रकट करो। अग्नि से कौन पैदा हुआ था? वृत्रासुर। तो समाज में गड़बड़ है, मुख में कुछ पान गुटखा तंबाकू नहीं होना चाहिए जो आपका यज्ञ करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थू यज्ञ भी चल रहा है देख लो पहले। अरे इतना क्या आपको टाइम कम है कि आप कुछ भी कर लेते हो? जूते की जगह पर चश्मा पहन सकते हो, आंखों की जगह पर जूता पहन सकते हो, तो भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी करने से कैसे कर, कुछ भी कर दो और 5-10 मिनट कुछ कर दो, अरे कुछ करने से क्या होगा? कुछ भी आजकल चलता, कुछ भी है ना, कुछ क्या खाएंगे, कुछ भी क्या लेंगे, कुछ भी। एक बार बीरबल अकबर जो थे, बीरबल नाराज होकर अपने घर चले गए, तो अकबर पीछे पीछे गए, बोले बीरबल नाराज मत हो, नाराज मत हो, चले गए। बोले जाता है तो जा, नवरत्न क्या बन गया, अकड़ने लगा, राजा तो मैं हूं। अकबर जी पीछे पीछे उनके घर पे 1 महीने बाद पहुंचे, बोले अब तो कार दिक्कत आ रही है, बीरबल आया नहीं है, बड़ा इंटेलिजेंट था बीरबल।
घर पहुंचे तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा पहली बार राजा बीरबल के घर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं एड्रेस जीपी स्थान है कि व्हाट्सएप में लोकेशन सेंड कर दिया। तो बोले कहाँ मिलेगा ये बीरबल जी का घर? बोले हम क्यों बताएं, क्या मिलेगा, बच्चे होते हैं ऐसे। बोले जो चाहो ले लेना। कहे कुछ भी दोगे? खेरा कुछ भी दूंगा, जो मांगो मैं राजा हूँ, कुछ भी दे दूंगा। ठीक है। बोले आइए आइए, हाथ पकड़ के लेगा, इधर मुड़ो इधर मुड़ो, ये बीरबल जी का घर। खटखट। बीरबल बोले हाँ जी आइए आइए। महाराज आप मेरे घर पे? अकबर जी अरे क्या हो गया? बोले तुम आए नहीं तो हम आ गए तुम्हें बुलाने, नाराज मत हो, चलो वापस दरबार में। तो चले गए। अब बच्चे बोले उनका कुर्ता पकड़ के अकबर का, हमें कुछ तो दो। बोले हाँ ये लो नवरत्न का हार, तोड़कर मोतियों का हार नवरत्नों का दिया। बच्चे बोले ये नहीं चाहिए हमको मोती वोती, हमें तो कुछ चाहिए। और राजा बोला अरे कुछ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बोले अरे बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ चाहिए। उन्होंने अपना बाजूबंद निकाला, कड़ा निकाला, सोने का स्वर्ण हार। बोले ये लो, ये नहीं चाहिए। बोले फिर कुछ चाहिए। अब फंस गए राजा, कुछ कहाँ से ला कर दें इसको। बीरबल से बोले बीरबल ये लो, उन्हें मेरा दुखी कर दिया बच्चों ने। क्यों भाई? कुछ चाहिए, वो कुछ कहाँ से लाऊं। बीरबल बोले कुछ लेके चले जाओगे? बोले जैसे ही मिलेगा तुरंत चले जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं मांगो। बोले कुछ नहीं मांगो। ठीक। तुरंत बीरबल जो अंदर गए, एक दूध का गिलास लाए, एक मक्खी जो थी मरी पड़ी थी उसको उठा कर डाल दिया अंदर, और उठाकर दूध को ऊपर रख दिया आले में। बुलाया बच्चों इधर आओ। उसमें से लंबा वाले कद का आया, बोले हाँ जी। बोले उतारो। बोले वो क्यों उतारे, क्या मिलेगा? बोले कुछ देंगे। बोले आप उनने भी ये कहा था, तुम भी ये कह रहे हो, झूठा तुम्हारा राजा झूठा मंत्री, कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? बोले नहीं आपकी बात पक्का, हमारा वचन मानो हम देंगे। ठीक है। दूध उतारा, उतारते बाद बच्चे की नजर गई, बोला महाराज। बोले हाँ इसमें तो कुछ है। बोले है ना, लो और निकल लो यहाँ से। तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा यज्ञ, यज्ञों से परे है भगवान कृष्ण वासुदेव। वासुदेव परा योग, इस संसार का ऐसा कोई योग नहीं है जो भगवान की प्राप्ति कराए। कितना आप कपाल भाति करना, बोलते करने से होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर स्वस्थ हो सकता है, परंतु क्या भगवान प्राप्ति होगी? मनुष्य शरीर का फायदा उठाओगे? एक व्यक्ति पार्क में घूम रहे थे, सांस की क्रिया कर रहे थे, मैंने कहा बड़े जोर लगा के कर रहे। अब योग के एक आचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जगह जगह पर प्रचार करते योग का। मैंने उनसे पूछा योग में क्या लिखा है? बोले अष्टांग योग में 8 चीजें होनी चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, तब अष्टांग योग होता है। अब यम नियम में कुछ नियम होने चाहिए कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा। बोले योग का शब्द का अर्थ क्या? बोले योग मतलब है भगवान से जुड़ना। 2 योग 2 = 4 प्लस का मतलब होता है योग। ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ो तो ज्ञान योग, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ो तो कर्म योग, और भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ो तो भक्ति योग। तो देखा बड़ी जोर जोर से वो सांस की क्रिया कर रहे। मैंने पूछा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हमारे आयुर्वेदाचार्य ने कहा है कि अगर आप ये कपाल भाति अलोम विलोम करेंगे तो आपका जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा लीवर फैटी हुआ क्यों? बोले मैं बहुत मांस खाता था, बहुत मदिरा पान करता था, इसलिए ये हो गया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसी बहाने आपका मांस छूट गया, मदिरा छूट गया, गलत कर्म छूट गया। अब जब आप ठीक हो जाओगे तो क्या करोगे? बोले मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही ठीक हो उसी दिन जाऊँगा, खाऊंगा और पीऊँगा। योग ने क्या किया? वासुदेव परा योग किया, भगवान की प्राप्ति वहीं का वहीं। एक पल उठाए दूसरे पल डुबाए, योग का कोई फल नहीं मिलेगा। कितना कमर ऐसे अगड़म बगड़म कर लेना अपने, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं है उस योग का कोई फल नहीं। योग करो, शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, पर योग के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन होना चाहिए। वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया। इस संसार की कोई भी क्रिया करो, गणपति की आरती गा रहे हैं लोग, उसमें भी कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुना? भगवान के नाम के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो गए। पूर्ण आहुति में विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान के बिना कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती है। आरती करो, पूजा करो, दंडवत करो, अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया वो क्रिया अधूरी क्रिया है, कर्म फल देगी। लेकिन उस क्रिया में भगवान का नाम लेने से कर्म क्रिया का फल नहीं मिलता, कर्म बंधन नष्ट हो जाता है।
वासुदेवा परम ज्ञानम। बड़ा ज्ञानी पुरुष है लेकिन भगवान को नहीं जानता, उसका ज्ञान अंत काल में उसकी रक्षा नहीं करेगा, केवल वासुदेव ही उसकी रक्षा कर सकते। वासुदेवम परम तपः, इस संसार का सबसे बड़ा तप लोग करते हैं, सिर नीचे करके पैर ऊपर, अग्नि जलाकर ठंडे पानी में बैठ जाएंगे, कुछ गर्मी में बैठ जाएंगे, तपस्या करते, शरीर को तपाते हैं, लेकिन इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वासुदेवम परम तपः, वासुदेव की भक्ति तपस्या के भी ऊपर सबसे बड़ी तपस्या है। वासुदेवा परो धर्म, लोग बोलते हैं आप कौन से धर्म का पालन करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए, हम वसुदेव धर्म का पालन करते हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं ना सिख हैं ना ईसाई, हम तो वसुदेव के हैं, कृष्ण के हैं। आप लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? कितने लोग शाकाहारी हैं? कुछ लोग मांसाहारी भी, हाथ नहीं खड़ा किया, अच्छी बात। शाकाहारी मांसाहारी, हमको शाकाहारी होना चाहिए ना मांसाहारी होना चाहिए? मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, कहते हैं हम तो जी मौकाटेरियन है, जैसा मौका पड़ता दबा देते हैं। बताओ, अरे भक्तों को शाकाहारी नहीं होना, चिड़िया भी शाकाहारी है, कभी देखा चिड़िया को प्याज मांस खाते हुए, तो क्या भगवान की भक्त है? भक्त को कृष्णहारी होना चाहिए, जो कृष्ण का आहार है, जो कृष्ण ने खा लिया उनका उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में हमें पान करना चाहिए। तो कृष्णहारी है, कृष्णटेरियन है, तो आपकी रक्षा होगी, क्योंकि वासुदेव परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वासुदेव। वासुदेव परहा गति ही अंते नारायण स्मृति ही, अंत में अगर नारायण का स्मरण नहीं हुआ तो परम गति प्राप्त नहीं होगी, परम गति के लिए नाम जपना पड़ेगा। एक घर पे हम गए थे अंतिम संस्कार के बाद 13वीं के कार्यक्रम पे, तो उनके पुत्र ने 13वीं पर कोका कोला बांटा, तो आया हमने कहा इस्कॉन में तो हम लोग कोका कोला पीते नहीं, काला ये ड्रिंक, इसमें कैफीन निकोटीन होता है, हम तो पीते नहीं। अरे अच्छा, पर हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, मैं कोका कोला बांट रही वैसी इच्छा थी आखिरी, तो मैंने समझना चाहा, तो मैंने डिटेल में पूछा ऐसा क्या था, किसकी पूजा करते? कह रहे भोले बाबा के भक्त है। तो अंत में जब उनके प्राण कंपित वात गले में आ गया, कंठ अवरुद्ध हुआ, तो हम सब ने पूछा पिताजी कोई अंतिम इच्छा, पिताजी कोई अंतिम इच्छा, तो पिताजी का कंठ से पिताजी बोल रहे थे कोला कोला। वो क्या बोलना चाह रहे थे? बोला, निकल क्या रहा था? कोला। तो इसलिए हम कोका कोला बांट रहे। अब वासुदेव का नाम स्मरण नहीं हुआ, अंत्य नारायण स्मृति नहीं हो तो क्या होगा, फंस गए आप, मुक्त कैसे हो? तो इसीलिए पुराणों में, वराह पुराण में एक बात ये प्रमाणित करती है, बड़ा सुंदर इस भाव को दिया गया है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन अपना भगवान को दे देता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता, केवल भगवान कृष्ण का भजन करता है और किसी का भजन नहीं करता, तो उसके अंत में यह बात प्रमाणित करी गई है, यति वात आदि दोषेन मद भक्तो माम न च स्मरे अहम स्मरामि मद भक्त नयामि पराम गतिम। वराह पुराण में वराह भगवान पृथ्वी माता को बता रहे हैं कि अंत काल में यति वात आदि दोषेण, वात कफ पित्त वात होता है ना, आयुर्वेद में तीन चीज होती, कफ पित्त और वात, तो अगर कफ हो तो कफ कफिंग होती, खांसी होती है, पित्त हो तो हाजमा खराब होता है, वात हो तो गैस बनती है, इन्हीं तीन चीजों को ठीक करके आयुर्वेद वैद्य आपको ठीक करते हैं। वो कह रहे हैं अगर वात का गैस का दोष और गला अवरुद्ध हो जाए, आवाज ना निकले, अब भक्त ने पूरा जीवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पूरा जीवन किया, और अंत में बेहोश हो गया, वेंटिलेटर पर आ गया, और लोग बोल रहे हैं अरे अंत में तो राम बोली नहीं कृष्ण बोले नहीं, फिर क्या होगा, अंत गति कैसे होगी, क्योंकि भगवान ने कहा अंत काले चमामे वस्मरण मुक्ति, तो क्या होगा, बड़े का घबराते हैं भक्त लोग अंत में क्या होगा। तो वराह पुराण इस बात को प्रमाणित करता है, अगर आपने निष्ठा पूर्वक पूरा जीवन भगवान का भजन किया होगा, यदि वात आदि दोषेण मद भक्तो माम न च स्मरेत, मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं भी कर पाता, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है
लेकिन उसने पूरा जीवन निष्ठापूर्ण सेवा करी, अपने गुरु के भजन किया है। अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लूंगा। नयामि परम गतिम, और उसको ले जाकर परम गति प्रदान कर दूंगा। तो डरने की बात ही नहीं कि कोला होगा कि कोको कोला होगा अंत में, जो होगा सो होगा, लेकिन भगवान की इच्छा से होगा। तो पूरा जीवन भगवान का हरि भजन व्यक्ति को बचा सकता है। इसलिए कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भगवान आपके हैं कि नहीं है, तो उनका भजन करना, अपने पापा के लिए पापा पापा कहना हो, मम्मी के लिए मम्मा मम्मा कहना हो, इसको सिर्फ ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कृष्ण आपके परम पिता हैं, तो उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरी का है प्यारा, हरी नाम
Thank you.
भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सब भक्त उनका नाम स्मरण करें, नाम भजन करें। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। किसी और का थोड़ी पढ़ाया गया पड़ोसी का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय है कुंती पुत्र, जितनी भी योनियां हैं इन सबका अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। कोई व्यक्ति अपने पिता से संबंध तोड़ दे कैसे सुखी होगा। इहा काले इहा लोका परलोका, इस लोक में और परलोक दोनों में उसको संतुष्टि नहीं मिली। यहां भी बेचैन 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 ही बहुत है, मन बड़ा खराब हो रहा है। आज पता नहीं क्या है, खाया पिया तो ठीक है, पता नहीं मन में कुछ लगा कुछ, वो क्या कुछ है डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। MRI करा रही, CT स्कैन करा रही, कोई बीमारी, लेकिन मन खराब है क्योंकि मन भजन करने नहीं देता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजी। मन इतनी तेज गति से चलता है, एक काल में पाताल, एक काल में ब्रह्मलोक, एक काल में वैकुंठ, एक काल में अमेरिका, एक काल में दिल्ली पहुंच। आप विचार करो, हमें लंदन जाना है घूमने के लिए, यूरोप का टिकट बुक कराओ और गूगल पे 4-5 फोटो देखो तो आपका मन पहले लंदन पहुंच जाता है कि नहीं। तो वहां तो आपको तो टिकट खर्च करना पड़ रहा है और मन पहले पहुंच जाएगा। कितनी तेज गति से चलता है, वायु वेग से चलता है मन। इसी मन के हारे हार है या मन संसार में फंसा देता है, और मन के जीते जीत, इसी मन को अगर जीत लिया तो फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक उठियारा था, उठियारा जानते हैं, उष्ट ऊंट को चलाने वाला, राजस्थान में होते हैं ना, ऊंट चलाते हैं, ऊंट पे बैठते हैं। चलते चलते उठियारा ऊंट एक गांव से गुजर रहा था, वहां एक सराय थी। वो सराय समझते हैं, इन कंट्री इन, इन यानी रेस्ट हाउस सराय। तो सराय में रहते थे एक सन्यासी थी, आचार्य जी रहते थे, वो ग्रंथ पढ़ते थे, भक्त थे, माला करते थे, पर अपने अन्न के लिए, अन्न शोधन के लिए उन्होंने एक सराय रखा हुआ था, जो कि परंपरागत फैमिली उनको मिला था, परंपराओं से पूछते हैं नहीं। तो उठियारा आया रात के समय, बोला महाराज जी, महाराज जी, इस पूरे जंगल में कोई रहने का स्थान नहीं, क्या मैं आपके आश्रम में रह जाऊं। बोले हाँ, ये पूरा खाली पड़ा रह जा, मैं प्रसाद बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर माला कर लूं, फिर तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, दोनों खाएंगे सो जाएंगे। ठीक है, वो चले गए खाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने। इतने में तो उठिया रहा था ऊँट वाला, और रोता रोता है, महाराज जी क्या हुआ। बोले ऊँट बैठ नहीं रहा आज मेरा, ऊँट क्या नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा, क्या करें जी। बोले रोज कैसे बिठाते हो, वैसे बिठाओ। कह रोज तो खूंटे बांधता हूँ जमीन में, ठक ठक ठक, फिर रस्सी लगाता हूँ तो उसके गले में बांधता हूँ, फिर कहता हूँ बैठ बैठ बैठ, बैठ जा बेटा बैठ जा, और घट से बैठ जाता। बोले आज वैसे ही बिठाओ। बोले हाँ, रस्सी और खूंटा रह गया, और ना आपसे थोड़ी बोलता, वो तो घर पर रह गया, मैं भूल गया, अब कहाँ वापस जाऊँगा, काम से निकला हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, बिना रस्सी बिना खूंटे के जो रोज करते वो करो। बोला मतलब, तो नाटक करो। हाँ ठीक है जी, कर कोशिश करता हूँ, पर होगा नहीं, करता है तो उन्हें ठक 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 इशारा किया, ए ऊँट ठक ऐसे दिखाया, फिर रस्सी की जी ए अला ला 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 आजा 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 बांध दिया, बैठ 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 गया, और ऊँट भी धक से बैठ गया। ओ महाराज जी बैठ गया बैठ गया बैठ गया महाराज, बिना रस्सी बिना खूंट। बोले मैंने पहले ही कहा, रात को रहा प्रसाद पाया, सुबह उठा, बोले अब मैं निकलता हूँ, प्रणाम किया आशीर्वाद लिया, निकलने लगा। बोला ऊँट खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। ऊँट खड़ा नहीं हो रहा, क्यों नहीं खड़ा हो रहा। वापिस, आचार्य जी ऊँट तो चलता ही नहीं है, जम गया हुआ है, चलता ही नहीं है। तो महाराज जी बोले बिठाया कैसे था। बोले वो आपने कहा, मैंने खूटा ऐसे नाटक किया, रस्सी बांधी गले में किया, अब मैं कर रहा हूँ उठ जा, उठ नहीं रहा। कह रहे तो जैसे बिठाया था वैसे उठाओ, खैर रस्सी तो है ही नहीं, कर जैसे बांधी थी वैसी खोलो। तो गया वापस उठ, रस्सी खुल गई, खुल गई, उठ उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ उठ गया। बोला महाराज जी उठ गया उठ गया उठ गया। तो हास्य कथा से क्या इस संदेश मिलता है,
कि हम सबका मन एक खूंटे और रस्सी से बंधा दिखती नहीं है। संसार के लोगों की क्या कमेंट्स होंगे, मैं माला लूंगा तो लोग बोलेंगे हाथ टूट गया तुम्हारा, ये क्या थैली बांध रखी है, ये तिलक लगाया है चिड़िया ने, बीट कर दिया आपके माथे पे। तरह तरह के उपहास विनोद कमेंट्स करेंगे, लेकिन आप घबरा गए, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं संसार से, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ये जो मन की रस्सी बंधी हुई है ना, इस कारण से हम उस आवरण को छोड़ नहीं पाते। पिताजी क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, मेरा गृहस्थ जीवन टूट जाएगा, मेरे घर में तो ये हो जाएगा, मेरे घर में वो हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरा बॉस क्या कहेगा। अरे कोई कुछ नहीं कहता, आप दृढ़ व्रत हो जाओ, फिर देखो सारा संसार जो आपको कह रहा था वो आपसे प्रश्न पूछने लगेगा कि आप कैसे इतने प्रसन्न रहते हैं। परिवर्तन आता है। इनकी चार स्टेज होती है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, लेयर होती है ना, लेयर वन, लेयर टू, लेयर। पहले बार में जब आप माला उठाएंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, इस्कॉन जाएंगे, सारे लोग बोलेंगे पागल हो क्या, ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा, दिमाग खराब है क्या, ये कोई जगह जाने की। अरे ये लोग ना ऐसे पकड़ पागल बना देते हैं लोगों को। अगर वो सह गया, उसने अपने गुरुजन वैष्णव जनों की बात मानी कि नहीं मत सुनो मत सुनो, चलते रहो चलते रहो, पहला स्टेज पार हो जाएगा। दूसरा होगा स्टेज जब वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको कमेंट कर रहे थे, वो आपको स्वीकार कर लेंगे कि चलो जैसा भी है तो हमारा, भजन करता है, शराब तो नहीं पीता, बेटा आ जाना पार्टी वगैरह में, स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ जगहों पर पहले इग्नोर करते हैं, फिर बाद में स्वीकार करते हैं, इग्नोर करते हैं, बात ही करना बंद कर दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, सब ने नाते तोड़ दिए, रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया। और फिर थोड़े दिनों बाद इग्नोर करने के बाद जब देखेंगे दृढ़ व्रत हो आप लगे हुए हो, जैसे बच्चा लगा हुआ चिल्लाने में, ऐसे दृढ़ व्रत, हाँ ये देखो क्या दृढ़ है, तो ऐसे जो दृढ़ रहेंगे तो इग्नोरेंस होने के बाद आपको लोग स्वीकार करेंगे, दे विल अप्रिशिएट, वेरी नाइस, यू आर डूइंग नाइस जॉब, भगवान के जब मंदिर जाते हो, इस्कॉन जाते हो, हाँ जाना चाहिए इस्कॉन, जरूर जाना चाहिए, अच्छी संस्था है, गीता का प्रचार होता है, भागवत का प्रचार। कुछ समय में जब ये लेयर भी निकल जाएगी तो लोग आपसे अभी इज्जत तो करते हैं लेकिन आपकी बात को मानते, यानी घर में सब कोजी एनवायरनमेंट है, सब कंफर्टेबल है, परंतु लोग मेरी बात को मानते। हम कहते हैं कृष्ण भगवान इन्हों के अपने अपने बना रखे 25-30, घर में पूरा कुंभ मेला बना रखा है, जहां जाते हैं वहां से एक फोटो ले आते हैं, घर में कुंभ है, समझ ही नहीं आता किसकी करें किसके। लेकिन अगर आप भजन में दृढ़ रहे तो आखिरी स्टेज आती है, वही लोग जो आपको तिरस्कार कर रहे थे, वही लोग जो धीरे धीरे आपको बेकार कह रहे थे, वही लोग जो आपको बाद में स्वीकार कर रहे थे, अब आपका अभिनंदन करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, वाह ये देखो क्या निकला है इनके घर में, एक साधु हो गया। सुना है जिसके घर में एक साधु हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, लेकिन इतनी सरलता से नहीं मिलता। हरि बोल, पहले तो सुनना पड़ेगा। जो सहता है वही भक्ति में रहता है। समाज तो है ही ऐसा, जब आप कुछ अच्छा काम करने चलोगे क्रिटिसिज्म निंदा, जब तक जिंदा तब तक निंदा, तारीफ तो मृत संसार के में होती है ना, जब मर जाते हैं तो फोटो लगा के बड़े अच्छे थे चाचा जी, हमें गोदी में खिलाते थे, बस प्रॉपर्टी नहीं दे गए, बाकी बहुत अच्छे थे। तो मगरमच्छ के आंसू लोग बहाते हैं, तारीफ तो होती है मृत्यु के बाद, जिंदा जिंदा तो क्या होता है, जब तक जिंदा तब तक निंदा तो लोग करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है ना कहेंगे, डर गया वो मर गया, डरो मत चलते रहो, दृढ़ व्रत हो। भगवान ने कहा बहुशाखाई अनंत छाया बुद्धि अव्यवसायी नाम, बहुशाखाओं में जिनकी बुद्धि बढ़ती है वो अव्यवसायी होते, कृष्ण भक्त नहीं होते। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं उनकी एक हक कुरुनंदना, उनकी बुद्धि एक जगह लगी होती कृष्ण की। धृतराष्ट्र से पूछा गया, धृतराष्ट्र आदि के जो पुत्र थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य जी के आश्रम में, अभी हमारे वहां कथा चल रही थी भागवत, द्रोणाचार्य आश्रम इस्कॉन के भक्तों करा रहे थे गुड़गांव में, द्रोणाचार्य जी ने जहां पर पांडवों को शिक्षा दी उसी स्थान पर भीष्म स्तुति संवाद चल रहा था, स्तुति संवाद चल रहा था।
तो वहां पर बड़ा अच्छा प्रसंग याद आया कि वो वृक्ष आज भी है गुड़गांव में, अगर कभी जाए, गुरु का ग्राम, पांडवों के गुरु जी का ग्राम था गुरु ग्राम। तो वहां पर उस स्थान पर जब कथा हो रही थी तो वहां हमने वृक्ष देखा, वो बोले ये वृक्ष प्राचीन है, पांडवों ने इसी के ऊपर अपनी बाणों की ट्रेनिंग करी थी। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुम्हें पेड़ पर क्या दिखता है? दुर्योधन बोले पेड़ दिखता है और चिड़िया दिखती है। युधिष्ठिर तुमको क्या दिखता है? युधिष्ठिर बोले हमको केवल चिड़िया दिखती है। भीम से पूछा तुमको क्या दिखता है? बोले चिड़िया दिखती है और खाने के लिए फल दिखते हैं, भूख लगती थी ना वृकोदरा। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिखता है? अर्जुन बोले मुझको केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखती है। फोकस एक हा कुरु नंदना, कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण भक्ति, कृष्ण। अधिकतर लोग यहाँ पर नींद ले रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, सो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कथा में आके भी कृष्ण न कहे। बैठे हुए हैं फेविकोल लगा के, हाथों में पैरों में, न ताली बजाएंगे, न उठेंगे, न नाचेंगे। कहते हैं जो भगवान के कीर्तन में नाचता है उसे संसार के आगे नाचना नहीं, लेकिन जो भगवान के कीर्तन में नहीं नाचता, नहीं ताली बजाता, उसे संसार के चक्कर पुनरपि जननम पुनरपि मरण पुनरपि जटरी जटरे। भगवान कहते कितना दुर्भागी है, कथा में आके भी भगवान की कीर्तन और ताली नहीं बजा सकते। तो भगवान इससे बड़े रोष होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ा शरीर है तो ऐसे से कर लो, मन से प्रसन्न हो जाओ ऐसे से कर लो। जवान हो, दूध की डेयरी तक अपना चले जाते हो, मार्केट घूमने जाते हो, मॉलों के चक्कर काटते हो, तो नाचो कूदो, लेकिन वो भी नहीं कर सकते तो भगवान को बड़ा रोष होता है। कैसे लोग हैं, मेरे ही बच्चे मेरे ही नाम पर कूद नहीं रहे, अभी इनको 5 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो ऐसे कूदेंगे छत टकरा जाएंगे, पागल हो गए। और अनमोल हरिनाम मिल रहा है तो ये बैठे फेविकोल लगा के, सर्दी बहुत है बंद करो, गुलाब जामुन गरम गरम खाने आए जल्दी, लेट हो गया, थोड़ा बहुत लेट हो गया, आप कल आओगे? हम तो नहीं आएंगे, नींद का टाइम होता है 2 बजे सोएंगे ये कथा सुनेंगे। अरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, वो जरूरी काम है, भगवान भगवान तो मिलते रहेंगे बाद में, बुढ़ापे में बहाने बहाने बहाने। लेकिन यह भक्ति केवल साधु संघ से समझ में आती है, अधिक अधिक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्त संघ करेंगे तो समझ में। एक जंगल में 2 तोते थे, दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ, एक ही अंडज योनि से पैदा हुए, अंडों से। एक तोता डाकुओं के पास चला गया और एक तोता साधुओं के पास चला गया। दो भाई थे, एक डाकुओं के पास, एक साधुओं के पास। डाकू के पास जो गया वो बोलता था अब्बे तब्बे क्या कर रहा है, ऐसी भाषा थी। और यार बता तू क्या हाल चाल, यार पापा को बोल रहे अपने पिताजी को, और यार बड़ी लेट आ रहा है, एडवांस कल्चर। हेलो, फोन उठा के हेलो, हेल का मतलब क्या होता है, नर्क, सुबह सुबह बांट रहे थे, हेलो लंक ले लो, हेलो फोन उठाते, हेलो हम भी हैं तुम भी ले लो, उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, हाय हाय हाय। जब किसी का बिजनेस लॉस होता तब कहता था हाय हाय बिजनेस लॉस हो गया, किसी को दुख होता था तब पेट में दर्द होता था हाय हाय ब्रदर, या फिर प्रकृति के अनुसार स्त्री न पुरुष बना तो फिर रेड लाइट पे हाय हाय, वो लोग हाय हाय कर रहे हैं पार्कों के अंदर, सोच हाय कैसी गुप्ता जी हाय, क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, राधे राधे, कैसे हैं जी, क्या मुश्किल है, फोन उठा बोलो हरे कृष्णा, बोल सकते हो कि नहीं, मुश्किल है, ट्राई करके देखना निकलेगा नहीं। जन्म जन्म ऋषि तप कराए अंत राम कहे आवत ना, इतना सरल थोड़ी है, बहुत पाप किए हैं, जिनके पाप होते हैं उनके जीव से नाम निकलता नहीं, ट्राई करके देखो, मैं भी बोलूंगा, देखो आपको निकलता है, पता चल जाए कितना पाप है कि नहीं। हरे कृष्णा, नहीं निकला जी इनके देख लो पाप है तुम्हारे। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से
भूख विदा हो जाए। जब बुखार आता है तो भूख नहीं लगती, ऐसे जिनके पाप है उनसे भगवान का नाम ताली बजती नहीं, उनको लगता है क्या ड्रामा चल रहा है, इससे अच्छा टीवी देख लेते, यस बॉस देख लेते, कौन बने करोड़पति देख लेते, क्या टाइम पास है। और जो भक्त होते रसिक होते वो प्रसन्न मुद्रा में स्माइलिंग कीर्तन, अरे बड़े प्रसन्न होते, आ ठाकुर जी की रस्मय कथा, आ आनंद। तो हम तो बोलते हैं एक छोटा सी चीज आप लोगों को सुनाते हैं, स्टेटमेंट भक्त बनाते हैं और भक्त बोलते हैं, हेलो हाय छोड़िए, बोलिए हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, ओ हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, ओ हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे लगता है कि नहीं, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, कोई धन ना मिलने पे उदास है, कोई धन ना मिलने पे उदास है, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, बस सुखी कृष्ण के दास है, सुखी कृष्ण के दास है, बस सुखी कृष्ण के दास है, सुखी कृष्ण के दास है। इसे क्या बोलना चाहिए, हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा
राम हरे राम राम हरे। साधु लोग जप करते भजन करते हैं तो तोता भजन करता था, उसकी भाषा बदल गई, हरे कृष्णा कैसे हैं ऐसे बोलता था। राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने निकले और डाकुओं के पास जो तोता रहता था उस तोते की दृष्टि राजा में पड़ी। और राजा आया है लूटने के लिए, ए आओ अबे आओ लूटो, राजा आया है पकड़ लो छीन लो सब कुछ। राजा भागा, तब तक डाकुओं ने पकड़ लिया, निकाल लिया सारा धन दौलत, निकालो 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 सारा कुछ। राजा बोले कपड़े तो छोड़ दो, बोले नहीं कपड़े भी नहीं छोड़े, निर्वस्त्र कर दिया। राजा बोला इतनी बेइज्जती हुई आज हमारी, अपमानित कर दिया हमको। भागता हुआ घर पहुंचा महल में, राजा बड़े दुखी थे, मन बड़ा उदास था कि एक पक्षी के कारण आज मेरा सब कुछ लुट गया, अब कभी जंगल की ओर अकेले शिकार खेलने नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद 10 साल बीत गए तो पुनः एक बार राजा के मन में उत्तेजना आई कि चलो फिर चलते हैं, अब तो तोता मरमर आ गया होगा। दूसरी ओर गए, उस डायरेक्शन में ही नहीं गए, दिशा ही बदल दी, अलग दिशा में खेलने गए शिकार, वहां भी एक तोता था, तोता देख के भागे राजा, अरे फिर तोता आ गया। डर मन में बैठ जाता है, दूध का जला छाछ को फूफूक के पीता है, बोला अरे तोता आ गया तोता, भागे। जैसे भागने लगे तुरंत तोता कहता है हरे कृष्णा, आइए थक गए होंगे बैठिए प्रसाद लीजिए सत्संग सुनिए। और बड़ा अच्छा बोल रहा है वो, तो कहीं घबला तो नहीं है ऊपर से बोल के अंदर घुसा ले। कई लोग आजकल ऐसे करते हैं, कॉल सेंटर से आपको फ़ोन करेंगे आप फंस जाओगे उनके चक्कर में, साइबर क्राइम चल रहा है आजकल बहुत सारा। तो उन्होंने वो डर गए राजा, राजा डर गए, तोता कहता अरे आप डरिए मत, मैं आपके लिए प्रसाद लाता हूँ। इतनी जब चर्चा हो रही साधु आ गए कीर्तन करते, आइए आइए महाराज, बड़ा सुंदर सुसज्जित स्वागत, बड़े अलंकृत आभूषणों की थाली में उनको भोजन प्रसाद सब खिला रहे, बड़ा सम्मान, पीतल सोना सब लगा लगा के थाली चांदी के गिलासों में उनको प्रसाद खिलाया जा रहा, साधुओं पर जितनी व्यवस्था बन सकी सब राजा का सम्मान। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि एक तोते ने लुटवा दिया था और एक तोते ने इतना सम्मान दिलवाया, ये दो तोतों में इतना फर्क कैसे है? देखो तो तोता बोलता है, ये धर्म पुराण के अंदर कथा आती है। तो तोते ने इस बात को स्थापित किया कि राजा वो और मैं हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, अंडज योनि से पैदा हुए अंडे से, पर हम एक ही गर्भ से, हमारी माँ और पिता एक ही हैं। तोते ने कहा माता पिए का पिता पिए का अहम च परा पक्षिणो अहम मुनिभिर अंतिस चिनोती गवासनः अहम मुनीनां वचनं शृणोति गवासनां सा शृणोति वाक्यं न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्ग दोषा गुणा भवन्ति। कितनी सुंदर बात कही है, हमारे पुराणों में हमारे भारत के ग्रंथ हैं, विदेश से नहीं आए कॉपी पेस्ट करके, उसमें लिखा है माता भी एक है पिता भी एक है, माँ भी एक है पिता भी एक है। अहम च परा पक्षिणो, लेकिन मैं अपने पक्षी समाज से अलग हो गया था अपने भाई से। साधु कीर्तन करते जा रहे थे, उनके रथ यात्रा के रथ पर बैठकर मैं साधुओं के साथ आ गया, फिर उड़कर वापस नहीं जा सका। तो मैं साधु भाषा साधु प्रसाद खाते खाते मेरा पूरा नेचर ही चेंज हो गया। अहम मुनि भार अंत समय मुनियों के साथ रहता हूँ और उन्हीं के द्वारा दिया गया प्रसाद खाता हूँ। अहम मुनि नाम वाक्यम शुणोती, मैं मुनियों के साधुओं के प्रवचन सुनता हूँ। गवासनाम सा शुणोती वाक्यम, लेकिन मेरा जो दूसरा भाई है वो डाकुओं की बात सुनता है। न तस्य दोषो, उनका कोई दोष नहीं है। न चमे गुणो वा, इसमें मेरा कोई गुण नहीं है कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, बड़े खुश हो रहे मैं बोलूँ मैं बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छी कथा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये हमारा गुण नहीं है और कुछ गलती हो रही है, हमारा दोष नहीं है, क्या है? तोते ने कहा न तस्य दोषो न चा गुणो वा संसर्ग दोषो गुणा भवन्ति, जिन लोगों का संग करते हैं उन्हीं के दोष और उन्हीं के गुण हमारे अंदर। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिन लोगों का संग करेंगे जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा। हरि भक्तों का संग करेंगे इस कॉन सेंटर पे आएंगे तो भक्त बनेंगे, और पार्टी करेंगे 31 दिसंबर को तो सुबह उल्टियां करेंगे, नींबू पानी पिएंगे, पैसा भी खर्च करके। अब देखो कितना मुश्किल है, एक साइड मांस सस्ता है या आलू सस्ता है? आलू।
शराब महंगी है या दूध महंगा है? शराब। पार्टी में जाकर डांस करना ज्यादा महंगा है या मंदिर में जाकर फ्री में डांस करना महंगा है? पार्टी में जाकर डांस। लोग पैसा खर्च करके नरक में जाने को तैयार है, अद्भुत कलयुग है। महंगा सौदा करके भी नरक में जाना चाह रहे और फ्री में धाम मिल रहा है वो लेना नहीं चाह रहे, कितनी मूर्खता है। ये कलयुग का दोष है। संसर्ग दोषा गुणों भवंती, जिसका संग करेंगे वैसा आएगा। तो यहाँ अच्छे अच्छे साधु पुरुष हैं इस्कॉन के, उन लोगों को अपना नंबर दीजिए, उनके साथ जुड़िए, सेंटर पर आइए और भजन को पक्का करिए, भजननिष्ठ बनिए, जाप करिए। इसी प्रसंग में आज हमने भागवत महिमा का श्रवण किया और कल से पुनः भागवत के अध्यायों में प्रवेश करेंगे और उनके अलग अलग लीला चरित्र जैसा प्रभु जी ने आदेश किया वैसे हम बोलने की कोशिश करेंगे। तो इसी को आज के इस कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत जी की आरती होगी माता जी, तो आरती की प्लेट प्रभु जी से आरती करवाइए। कल से ले लेंगे, आज तो पहला दिन है ना, टुमारो मिलते।